शुरुआत कर लेते हैं हम लोग इंडिया के जनरल डेटा को देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक फैक्ट जो हमेशा आपको पता होना चाहिए जो पूछे जाते हैं। इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, हमने देखा ही था, ये एरिया भी याद रखिएगा, ठीक है। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बड़े हैं। इंडिया का लैंड फ्रंटियर है, ये है करीब 15,200 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली, और कोस्ट लाइन आती है 7,516.6 किलोमीटर के करीब, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये डेटा पूछा जाता है कि पूरा डेटा आपको ध्यान में रखना होगा। और इंडिया का और रेशियो कितना है, ये आज जो आपका लैंड फ्रंटियर है कोस्ट लाइन से, उसका रेशियो है 2:1 का, यानी लैंड फ्रंटियर ज़्यादा है कोस्ट लाइन कम है। इंडिया के कौन से स्टेट है जो कोस्ट लाइन में पड़ते हैं आप जानते हैं, अभी हम देखेंगे उनको। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन कवर करता है, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा, ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, 1600 किलोमीटर है करीब इसकी कोस्ट लाइन, ये ध्यान रखिएगा। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडियन मेन लैंड का, कन्याकुमारी है। और इंदिरा पॉइंट जो है सदर मोस्ट पॉइंट इंडिया का, जो कि सबमर्ज हो गया था 2004 की सुनामी में, ठीक है, 2004 की सुनामी में डूब गया था। आगे बात करते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से जो हमसे बॉर्डर बनाते हैं, वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और नियरेस्ट कंट्री कौन है इंडिया से जो बॉर्डर नहीं शेयर करती है, वो है श्रीलंका, और एक नैरो चैनल से सेपरेटेड है जिसको हम लोग पाक स्ट्रेट बोलते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। पाक स्ट्रेट से एक तरफ और गल्फ ऑफ मन्नार से दूसरी तरफ श्रीलंका हमसे सेपरेट है। अब डेमोग्राफिक डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी तक हमारा 2011 का ही सेंसस चल रहा है, जितना भी डेमोग्राफिक डेटा है 2011 के सेंसस के हिसाब से हम मानेंगे जब तक हमारा 2021 वाला सेंसस कंडक्ट नहीं हो जाता। तो सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो कितना है, 943 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स पर, और पॉपुलेशन इतनी है ये डेटा के हिसाब से, ये आप ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। सेंसस का ही पूछते हैं, वैसे तो यूएन इसको अपडेट करता रहता है इस डेटा को, लेकिन फिर भी आप अभी यही ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में किसकी है, चाइना की, फिर इंडिया की है और फिर यूएस की है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब इंडिया की पोजीशन जो वर्ल्ड में है अलग अलग पैरामीटर्स पर, प्रोड्यूस के मामले में, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के मामले में, ये बदलती रहती है, ठीक है। इसका अलग से आपको वीडियो मिलेगा हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर UPPCS से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये अपडेटेड नहीं है इस फाइल में, इसका अपडेटेड वर्जन आपको मिलेगा लेटेस्ट जल्दी ही। नेशनल सिंबल्स के बारे में बात कर लें तो सारनाथ हमने कहाँ से लिया है, ये लायन कैपिटल जो है अशोक का, वहाँ से लिया है, ठीक है। और नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। सत्यमेव जयते जो है हमारे मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। सबसे पहला जनगणमन हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो कहाँ पर गाया गया था, 1911 27 दिसंबर को, ये डेट भी पूछी जा चुकी है। अडॉप्ट कब किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान को, 24 जनवरी 1950 को। गवर्नमेंट ये टैगोर ने खुद इसकी इंग्लिश रेंडरिंग लिखी थी और इसको लिखा भी है, ओरिजिनली बंगाली में लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। हमारे राष्ट्रगान को पूरे 52 सेकेंड में गाया जाता है, इसमें 5 स्टैंजास होते हैं, ये सब आपको पता है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल सॉन्ग के बारे में बात कर लें तो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ नाम के नॉवल में दिया गया था इसको, ठीक है। सबसे पहले 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था, ठीक है, इसकी इंग्लिश रेंडरिंग दी है श्री औरोबिंदो ने। नेशनल कैलेंडर हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, सक एरा वाला, इसको अडॉप्ट किया गया था 12 मार्च 1957 को। चैत्र हमारा पहला महीना होता है, ठीक है, इसका पहला दिन पड़ता है 22 मार्च को हम लोग, यानी कि 22 मार्च को हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं। लीप ईयर में 21 मार्च को हमारा पहला चैत्र का दिन होता है। नेशनल कैलेंडर में 365 और 366 दिन होते हैं, चैत्र जो है ये 30 डेज का होता है और लीप ईयर में 31 डेज का हो जाता है। नेशनल फ्लैग के बारे में बात कर लें तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, इसका लेंथ टू विड्थ रेशियो कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2:3 है, ठीक है, किसका रेशियो है, विड्थ से लेंथ का, यानी कि लेंथ 3 है तो विड्थ 2 रहेगी। बीच में जो नीला हमको धर्म चक्र दिखता है उसमें 24 तीलियां हैं, ये भी कई बार आ चुका है, ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के प्रोविजन 2002 के तहत हम लोग इसको जनरल पब्लिक में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फहरा सकते हैं, लेकिन हम इसका किसी भी प्रकार से अपमान नहीं कर सकते, दंडनीय अपराध होगा, झंडे को जमीन से नहीं छूना चाहिए, आप जानते हैं। अदर नेशनल हमारे कौन कौन से हैं, ये जो पीकॉक है हमारे नेशनल बर्ड है,
नेशनल फ्रूट मैंगो है, मैग्नीफेरा इंडिका, लोटस है हमारा नेशनल फ्लावर जिसको नीलम्बो न्यूसीफेरा कहते हैं, और बैनियन ट्री है जिसको फीकस बंगालेंसिस कहते हैं, नेशनल एनिमल टाइगर है, एक्वाटिक एनिमल है रिवर डॉल्फिन, और हमारी नेशनल रिवर है गैंजिस यानी कि गंगा। अब हम नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अगर कंपेयर करें तो ऑथर कौन है नेशनल सॉन्ग के, रविन्द्रनाथ टैगोर, सॉरी नेशनल एंथम के कौन है रविन्द्रनाथ टैगोर, नेशनल सॉन्ग के कौन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सबसे पहले बंगाली में लिखा गया था हमारा राष्ट्रगान, और हमारा राष्ट्रगीत सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था। सबसे पहले कहाँ पर गाया गया, 1911 कोलकाता में राष्ट्रगीत गाया गया वंदे मातरम 1896 कोलकाता में। इंग्लिश रेंडरिंग किसने लिखी, टैगोर ने, और इसकी श्री औरोबिंदो ने। हमारे 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई हैं, 22। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, 300 आर्टिकल नंबर 341(1) में इसको दिया गया, देवनागरी की स्क्रिप्ट में हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है। 1950 में 14 लैंग्वेज हुआ करती थी। 8th शेड्यूल में जिनको बाद में ऐड करा गया है वो है सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसको मिला था, तमिल को, ठीक है। बाद में किसको मिला है, संस्कृत को, कन्नड़ को, मलयालम को, तेलुगु को और ओडिया को। नेशनल लैंग्वेज कौन है, सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है नागालैंड की, वो इंग्लिश है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की उर्दू है, गोवा की कोंकणी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, आप जानते हैं। प्रिंसिपल लैंग्वेज लक्षद्वीप की कौन है, जेसरी और महाल है। फॉरेन लैंग्वेज जो पुडुचेरी में बोली जाती है वो फ्रेंच है। ये कौन से दो राज्य हैं जिनमें सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को माना गया है, वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और इटालियन ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं, तेलुगु को। अंडमान निकोबार में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी, निकोबारसी, बंगाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु। इंग्लिश जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं की गई है हमारे शेड्यूल में, ठीक है, इंग्लिश को हमने अपने शेड्यूल में नहीं दिया है। और जब आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया जाता है तो मगर उसमें इंग्लिश को देते हैं, इंग्लिश ऑथर को अवार्ड देते हैं उसमें। लैंग्वेजेस को प्रमोट करने वाले इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, ये आजकल आ रहे हैं एग्जाम में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा यूपी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ये मैसूर में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वर्धा में। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल क्लासिकल तमिल ये कहाँ पर है, चेन्नई में। एक बार देख लीजिएगा इनको, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब 8th शेड्यूल में कब कब किनको रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये यहाँ पर लिखा गया है। ये आपको पूरी लिस्ट मेरे हिसाब से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कोर्ट्स ऑफ इंडिया यहाँ पर जिन हाई कोर्ट्स के पास एक एक से अधिक स्टेट या यूटी का ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। गुवाहाटी के पास अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम का ज्यूरिसडिक्शन है। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का ज्यूरिसडिक्शन है। कलकत्ता हाई कोर्ट के पास वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड का ज्यूरिसडिक्शन है। केरल के पास लक्षद्वीप और केरल का है। मद्रास हाई कोर्ट के पास तमिल और पुडुचेरी का है। पंजाब और हरियाणा के पास पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का है। अब कौन से हाई कोर्ट की बेंचेस कहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ में है, बॉम्बे की कहाँ पर है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। कलकत्ता की कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में, जलपाईगुड़ी में नई खुली है अभी 2017 के करीब, 16 में। गुवाहाटी की कहाँ पर है, कोहिमा, ऐजवाल और ईटानगर में। मद्रास की कहाँ पर है, मदुरई में। राजस्थान हाई कोर्ट की कहाँ पर है, जयपुर में। हाई कोर्ट जो स्टेट कैपिटल्स में नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पर, बिलासपुर में। गुजरात का कहाँ है, अहमदाबाद में। केरल का कहाँ है, कोच्चि में। मध्य प्रदेश का कहाँ है, आपका जबलपुर में। ओडिशा का हाई कोर्ट कहाँ पर है, कटक में। राजस्थान का जोधपुर में। उत्तराखंड का नैनीताल में और उत्तर प्रदेश का अलाहाबाद में। हम लोग ट्रिब्यूनल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ट्रिब्यूनल है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका क्या रोल है, इसका ये रोल है कि पब्लिक सर्विस के अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड, उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या फिर यूनियन और अदर लोकल अथॉरिटीज से रिलेटेड जो कि हमारे टेरिटरी में आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होती है उसको यहाँ पर उसका एडजुडिकेशन करना, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 323(1) के तहत ये यहाँ पर इंटरवेंशन करते हैं। तो
तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का क्या रोल है, पब्लिक सर्विस रिलेटेड मामलों में अपना हस्तक्षेप करना। इनकी बेंचेस कहाँ कहाँ पर है ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बात कर लें तो जैसा कि इसका नाम है, जितने भी हमारी तीन तरह की सर्विसेज हैं आर्म्ड फोर्सेस में, उसके तहत जितने भी अपील्स होती हैं उनकी हियरिंग करना और कोर्ट मार्शल वगैरह के सेंटेंसेस से डील करना, ये सब करती है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। इसकी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है और बाकी अलग अलग स्टेट्स में भी हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर लें तो ये एक वैधानिक निकाय है, एक्ट के तहत आया है अस्तित्व में। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी करना और जहाँ पर भी मतलब एनवायरनमेंट का किसी प्रकार से डेप्रिसिएशन हो रहा है वहाँ पर उस इंसिडेंट में ज्यूरिसडिक्शन देना और इंटरवेंशन करना। इनकी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है। इस समय हमारे एनजीटी के हेड हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल, ध्यान रखिएगा नाम इनका। रेलवेज क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ये रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे में यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड उनको कोई भी यहाँ पर कंपनसेशन मिलना है, कोई भी विक्टिम्स का रेल एक्सीडेंट का कंपनसेशन मिलना है या फिर कोई भी अवार्ड मिलना है किराए से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है वो इससे डील किया जाता है। प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में। अब स्टेट्स के बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, ये राजस्थान है। ये गोवा है स्मॉलेस्ट स्टेट, मोस्ट पॉपुलर स्टेट यानी जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है, अभी भी है। लीस्ट पॉपुलर स्टेट सिक्किम है। मोस्ट पॉपुलर यूनियन टेरेटरी कौन है, पुडुचेरी है। इसमें दिल्ली को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वरना तो दिल्ली होती है इसमें। लीस्ट पॉपुलर यूनियन टेरेटरी कौन है, लक्षद्वीप है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन है, बिहार है। यानी जनसंख्या घनत्व के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बिहार। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है आंध्र प्रदेश। और जिसको जो सबसे पहला हमारा स्टेट बना था लैंग्वेज के बेसिस पर वो आंध्र प्रदेश है। मोस्ट लिबरेटेड लिटरेट स्टेट कौन है, केरल। लीस्ट लिटरेट स्टेट कौन है, बिहार। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसके पास है, गुजरात के पास। जो सेवन स्टेट्स या और दो कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है वो राज्य कौन सा है, असम है। वो दो कंट्रीज कौन कौन सी है जिससे असम बाउंड्री शेयर करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। सिक्किम जो है ये तीन कंट्री से घिरा हुआ और एक स्टेट से घिरा हुआ आपका स्टेट है। जिसके पास कोस्ट लाइन है वो इंडिया के स्टेट कितने हैं, वो नौ हैं। हमारी चार यूनियन टेरेटरीज हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है, यानी कि जो कोस्टल रीजन में पड़ते हैं इंडिया के। हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो कभी भी मतलब दूसरी भी कंट्री के साथ बाउंड्री नहीं शेयर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा। नेबरिंग कंट्रीज और इंडियन स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कंट्री हमारी नेबरिंग, हमारे कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री बनाती है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सारे जितने भी स्टेट हैं पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, चाइना के साथ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत लोग भूल जाते हैं। असम की कैपिटल दिसपुर है, अरुणाचल की ईटानगर है, मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की ऐजॉल है और नागालैंड की कोहिमा है और त्रिपुरा की अगरतला है। हमारे छत्तीसगढ़ की रायपुर, रांची, झारखंड की, उत्तराखंड की देहरादून, ये सब आप जानते ही होंगे। अंडमान की पोर्ट ब्लेयर है, दादरा नगर हवेली की सिलवासा है, लक्षद्वीप की कावारत्ती है और दमन दीव की दमन है। अब किस स्टेट में कितने एमपी, कितने एमएलसीज होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है आपके एसएससी के एग्जाम में और भी जितने भी छोटे एग्जाम हैं उसमें। उत्तर प्रदेश में कितने एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 80 होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। एमएलए कितने बनते हैं, 404, और एमएलसीज होते हैं 100। यहाँ पर स्टार इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा। तो एमएलएज उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एमपी और ये लोकसभा और राज्यसभा वाले जरूर देख लीजिएगा, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र में कितने, 48 यहाँ पर एमपी बनते हैं, राज्यसभा में 19, वेस्ट बंगाल में 42 और एमपी कितने बनते हैं, 16, बिहार में 40 और राज्यसभा में 16, तमिलनाडु में लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18, कर्नाटक में 28 आपके लोकसभा में और 12 आपके राज्यसभा में, गुजरात में 26 और 11 आपके राज्यसभा में, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा में और 11 आपके राज्यसभा में,
21 यहाँ पर ओडिशा में, और 10 राज्यसभा में, केरल में 20 और 9, तेलंगाना में 17 और 7, 14 लोकसभा में असम की तरफ से और 7 राज्यसभा में, असम में 14 और 6, पंजाब में 13, 7, 11 और 5, हरियाणा में 10 और 5, जम्मू में 6 और 4, उत्तराखंड में 5 और 4, हिमाचल प्रदेश में 4 और 3, अरुणाचल प्रदेश में 2 और 1, ठीक है, गोवा में 2 और 1, मणिपुर में 2 और 1, और मेघालय में 2 और 1, त्रिपुरा में 2 और 1, मिजोरम में 2 और 1, नागालैंड में 2 और 1, 1-1, सिक्किम में 1-1, दिल्ली में 7 और 3, और पुडुचेरी में 1 और 1। अंडमान निकोबार में देख लेते हैं, तो लोकसभा का एमपी 1 होता है अंडमान से, चंडीगढ़ से 1, यहाँ पर राज्यसभा में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। दादर नगर हवेली में 1, दमन दीव में 1, लक्षद्वीप में 1 और नॉमिनेटेड 2। ट्राइब्स ऑफ इंडिया देख लेते हैं, भारत की जनजातियाँ कौन कौन सी जनजातियाँ किस किस प्रदेश में पाई जाती हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो भील आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गोंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। संताल आपको बिहार में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में देखने को मिलेंगे। मीणा आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। नैकड़ा आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र और गोवा में। उराव कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में। सुगालीस आपको केवल आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मुंडा आपको देखने को मिलेंगे बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और ओडिशा में। नागा आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, नागालैंड में। खोंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, ओडिशा में। बोरो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, असम में। कोली महादेव आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में। खासी कहाँ पर देखने को मिलेंगे, मिजोरम, मेघालय और असम में। और कोल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। वर्ली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। कोंकणा आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, दादर नगर हवेली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कावड़ आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र। गुज्जर आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। भूमिज आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और ओडिशा में। गारो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और असम में। त्रिपुरा में। कोया आपको ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में। इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूथ डे हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं, KM करियप्पा की कमांड ने यहाँ पर कमांड ली थी 1949 में ब्रिटिशर्स से, ठीक है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे जनवरी 27, इसलिए मनाते हैं हम लोग। मार्टियर्स डे मनाते हैं महात्मा गांधी के मतलब उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। सेंट वैलेंटाइन्स डे मनाते हैं हम लोग, आप सभी को पता है। नेशनल साइंस डे मनाते हैं हम लोग 28 फेब को, यहाँ पर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट जो है ये डिस्कवर किया था, ठीक है। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाते हैं हम लोग। वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाते हैं हम लोग 15 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट मनाते हैं, जब यूरी गागरिन पहली बार एक मतलब स्पेस मिशन पर गए थे, से पहली बार एक ह्यूमन मॉड्यूल स्पेस मिशन पर गया था। इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई को, मई 8 तारीख को इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, और इस बार का थीम रहा है 2019 का #लव#लव। मई 11 तारीख को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, पोखरण टेस्ट किया गया था 1998 में इस दिन। एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं हम लोग, राजीव गांधी की यहाँ पर हत्या हुई थी 21 मई को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग मनाते हैं 5 जून को। इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं 21 जून को हम लोग। 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर्स डे, यहाँ पर डॉक्टर विधान चंद्र रे का जन्मदिवस होता है, ठीक है। 12 जुलाई को हम लोग मनाते हैं मलाला डे, मलाला यूसुफ जई का बर्थडे होता है यहाँ पर, नोबेल प्राइज विनर 2014 की। हिरोशिमा डे मनाते हैं हम लोग 6 अगस्त को, हिरोशिमा में बॉम्बिंग हुई थी। नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं यहाँ पर, स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च हुआ था 7 अगस्त को, इस वजह से मनाते हैं। अगस्त क्रांति दिवस हम लोग मनाते हैं, जब क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान हुआ था 1942 में। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाते हैं
ठीक है। और सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को, राजीव गांधी जी का बर्थडे होता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं हम लोग, हमारे हॉकी के जादूगर श्रीजीत ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पर। टीचर्स डे मनाते हैं, हम जानते हैं कि किस लिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं 8 सितंबर को। हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है, जब ऑफिशियली 14 सितंबर को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी घोषित किया गया था। बर्थडे एम विश्वेश्वरैया के दिन, एम विश्वेश्वरैया के दिन जिस दिन का बर्थडे हुआ था, हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग को मनाते हैं 27 सितंबर को, ठीक है, इस दिन अवार्ड्स भी दिए जाते हैं टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है, WHO इसको मनाता है, सॉरी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता आ रहा है 1945 से। UN डे होता है 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस होता है 31 अक्टूबर को। नेशनल एजुकेशन डे होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके बर्थडे पर। हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है चिल्ड्रंस डे के दिन। इंटरनेशनल इंटीग्रेशन डे मनाते हैं हम लोग इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। नेशनल मिल्क डे हम लोग कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। वर्गीज कुरियन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर। वर्ल्ड एड्स डे हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। नेवी डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है, कराची हार्बर में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी उसके ऑपरेशन ट्राइडेंट को हम लोग मनाते हैं, नेवी डे 4 दिसंबर। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हम लोग मनाते हैं कब, 7 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे 10 तारीख को। विजय दिवस कब मनाते हैं, इंडो पाक वार में इंडिया की विजय पर, 16 दिसंबर को। माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाते हैं हम लोग 18 दिसंबर को। नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाते हैं 24 दिसंबर को, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 को, और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे 2011 से हम लोग मनाते आ रहे हैं। डिजीजेस रिलेटेड जो डे है, जैसे 4 फरवरी को कैंसर डे, डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को, ट्यूबरक्लोसिस डे हम लोग मनाते हैं 24 को, ठीक है। वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाते हैं हम लोग 2 अप्रैल को, और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हीमोफेलिया डे मनाते हैं 17 को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 को। वर्ल्ड विटिलिगो डे 25 जून को। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है आपका 28 जुलाई को। वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं हम लोग 28 सितंबर को। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते हैं 12 अक्टूबर को। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाते हैं 20 अक्टूबर को। वर्ल्ड निमोनिया डे मनाते हैं हम लोग 12 नवंबर को। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को। और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, ठीक है। मेडिसिन से रिलेटेड डे, जैसे 11 फेब को यूनानी दिवस मनाते हैं, 4 जनवरी को सिद्ध डे मनाते हैं, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस, और 6 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाते हैं हम लोग। नवंबर 18 को मनाते हैं नेटरोपैथी डे। एनिमल्स को डेडिकेटेड जो डेज हैं, जैसे 20 जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे, 31 जनवरी को इंटरनेशनल जेब्रा डे, वर्ल्ड पेंगोलिन डे 18 को, 27 फेब को इंटरनेशनल पोलर बियर दिवस, मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को, 24 को डॉल्फिन डे, वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स वर्ल्ड पेंगुइन डे 25 को। हम लोग सेकेंड सैटरडे, जो जब भी मई का होता है उस दिन, वो इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स डे मनाते हैं। हमने मनाया था पिछली बार करंट अफेयर में, हमने बताया भी था आपको। इंटरनेशनल कंगारू केयर अवेयरनेस डे मनाते हैं 15 मार्च को। मई 23 को इंटरनेशनल टर्टल दिवस। जिराफ डे 21 जून को। कैमल डे 22 जून को। इंटरनेशनल डे टाइगर डे 29 जुलाई को। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। और इंटरनेशनल ऑरेंज गुटान डे मनाते हैं हम लोग कब, 19 अगस्त को। जो सैटरडे होता है 3 सितंबर का, उस दिन इंटरनेशनल रेड पैंडा दिवस मनाते हैं। 22 को मनाते हैं वर्ल्ड राइनो डे। इंटरनेशनल स्नो लिपॉर्ड डे 23 अक्टूबर को। 4 को इंटरनेशनल चीता दिवस। और इंटरनेशनल मंकी डे 14 दिसंबर को। अगला मैं यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ईयर्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि 1851 से लेकर 2013 तक हुए हैं। कौन कौन से घटनाक्रम बकायदा ईयर के साथ आपको पता होने चाहिए, जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन जो इंडिया में ऑपरेशनल हुई थी, वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के लिए हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है फर्स्ट ट्रेन कहाँ से चली थी, बॉम्बे टू ठाणे
1853 से, ये तो सभी को पता है, 1857 में सिपाही म्यूटनी शुरू हुई थी, ठीक है, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं हम लोग। 1885 में ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनशॉ वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी और अदर्स के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था लॉर्ड कर्जन के दौरान, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया गया था। स्पीच इंडियन काउंसिल एक्ट जो प्रॉपुलरली मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से जानी जाती थी, इसने कहीं ना कहीं इंडियन लोगों को गवर्नेंस में अलाउ किया, ठीक है, शासन में भागीदारी बढ़ाई एक तरह से इंडियंस की। इस एक्ट ने किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे इंडिया आए थे, यहाँ पर कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल में शिफ्ट किया गया। जनगणमन पहली बार गाया गया था कलकत्ता के सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। पहली एयर मेल इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट शुरू हुई थी बुमरौली से अहमदाबाद तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में, डायरकी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो 1919 में हुए। खिलाफत आंदोलन की बात कर लें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुआ था 1920 के करीब। चौरी चौरा इंसिडेंट फैलती है चौरी चौरा नाम की जगह पर यूपी में जो है, और इसके कारण से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये बंद कर दी जाती है। साइमन कमीशन की विजिट होती है इंडिया में 1928 में, और लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है इसके खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन में। 1929 में क्या होता है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का आईएनसी के लाहौर सेशन में। अब ये घटनाक्रम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ईयर के साथ, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन इवेंट्स को लगाएं, तो आपको पता होना चाहिए कब क्या हुआ था पहले, कब क्या हुआ था बाद में। दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी अरविंद पैक्ट साइन किया गया था 1930 में, भगत सिंह का एग्जीक्यूशन हुआ था, राजगुरु और सुखदेव का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करा गया था 1935 में। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। क्रिप्स मिशन इंडिया आया था 1943 में। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। 1947 में भारत आज़ाद होता है, पार्टीशन होता है कंट्री का हमारे, महात्मा गांधी जी पर हमला होता है, उनकी हत्या की जाती है, पहला पाक एग्रेशन हुआ था 1948 में। इंडिया रिपब्लिक होता है 1950 में, ठीक है, संविधान हमारा लागू कर दिया जाता है। पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में, पहला एशियन गेम्स दिल्ली में हुआ था 1951 में, और पहला 5 ईयर प्लान भी आया था। पंचशील साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है, यहाँ पर 1926 के बाद पहली बार आंध्र प्रदेश जो है बना था, पहली बार लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक पहला स्टेट। इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा शुरू किया गया था। डेसिमल सिस्टम लाया गया था करेंसी में 1957 में। पहला टेलीविज़न शुरू किया गया था 1959 में, और गोवा को यहाँ पर पोर्टुगीज से आज़ाद कराया गया था। जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है 1964 में। इंडो पाक वॉर होता है 1965 में, डेथ हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है, और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की में स्प्लिट देखने को मिलता है। नेशनलाइजेशन किया जाता है 14 बैंकों का। इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर की शुरुआत की जाती है, और कॉमर्शियल ऑपरेशन ही शुरू करता है 1969 में। इंडो पाक वार हुई 1971 में, शिमला समझौता हुआ इंडिया पाक के बीच। पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो था स्माइलिंग बुद्धा, ये कैरिड आउट किया गया पोखरण राजस्थान में 18 मई को, ठीक है। पहला सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट, इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, इमरजेंसी लगाई गई 1975 में। कांग्रेस हार गई यहाँ पर, पावर से हट गई, ठीक है, पहली बार 1977 में। 1980 में फिर कांग्रेस जीतती है, नेशनलाइजेशन किया जाता है 6 और बैंकों का। कलर टेलीविज़न भारत आता है, और नवा एशियन गेम्स दिल्ली में होता है। इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है 1984 में। राजीव गांधी की डेथ होती है 1991 में। लिबरलाइजेशन शुरू किया जाता है। बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 1992 में। इंटरनेट भारत आता है 1995 में। इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था ऑपरेशन शक्ति के नाम से, ठीक है। कारगिल पर हमला होता है पाकिस्तानी ट्रूप्स के द्वारा 1999 में। इंडिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन मार्क रीच करती है 2000 में। अर्थक्वैक आता है गुजरात में जनवरी में। इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक होता है 2001 में। गोधरा कांड होता है 2002 में। सुनामी आती है 2004 में, ठीक है। लूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट पहली बार भेजा जाता है मिशन पर, और मार्स पर हमारा ऑर्बिटर मिशन भी शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट इवेंट सब देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी। जैसे बैंकिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था हिल्टर यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। कंपनी
कब शुरू हुआ हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर कौन बने थे आरबीआई के? सी डी देशमुख। टर्म कितना होता है गवर्नर का? 5 साल का होता है। और जो गवर्नर बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे वो सी डी देशमुख और डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। 4 डेप्यूटी गवर्नर रह सकते हैं हमारे आरबीआई में। रीजनल ऑफिस कितने हैं? 28 हैं। आरबीआई 10,000 तक के नोट जारी कर सकता है। आरबीआई का लोगो क्या है? एक पाम ट्री और एक टाइगर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और रीजनल ऑफिसेस हम दिखा देते हैं आपको, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फंक्शंस क्या है आरबीआई के? मॉनेटरी अथॉरिटी इंडिया का, करेंसी इशूअर है, बैंकर है और डेप्ट मैनेजर है गवर्नमेंट का। बैंकर है बैंक्स के लिए, रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम का, मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का। डेवलपमेंट रोल है इसका, रेगुलेटर और सुपरवाइजर है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का। कॉइन्स और करेंसी के बारे में बात कर लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत पूरा अधिकार है यहाँ पर सिक्के निकालने का, ठीक है। और जो कॉइन्स है वो सर्कुलेशन में आरबीआई के टर्म्स पर ही आ सकते हैं, आरबीआई एक्ट के टर्म्स पर ही। कॉइन्स 1,000 रुपये तक की डिनोमिनेशन के मुद्रा के जारी किए जा सकते हैं कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत। इंडिया में डेसिमल सिस्टम कॉइनेज का लाया गया था 1 अप्रैल 1957 से। कॉइनेज एक्ट के तहत ₹1 है, ठीक है, उसको किसी भी पेमेंट को सेटल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कॉइनेज एक्ट के तहत ये 50 पैसा है, जो अमाउंट 10 रुपये से अधिक ना हो उसको देने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई उसके लिए मना नहीं कर सकता। 1 रुपी नोट है जो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है, गवर्नर के साइन इस पर नहीं होते हैं। 1 रुपी नोट को कॉइन कंसीडर किया जाता है कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 10 रुपये का बाई मेटेलिक कॉइन जो है वो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज के आउटर रिंग पर होता है और कॉपर निकल उसके इनर पार्ट में होता है। जो 10 रुपये का सिक्का चल रहा है आप जानते हैं उसको, उसमें 2 पार्ट होते हैं, ये वाला जो आउटर वाला होता है ये बना होता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज से, अंदर वाला बना होता है कॉपर निकल से, ठीक है। हमारे भारतीय नोट में 15 भाषाएँ होती हैं, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी को मिला करके हो जाती हैं 17। इंडियन रुपी का जो सिंबल है ये वाला, ये किसने क्रिएट किया था? धर्मलिंगन उदय कुमार ने। और आरबीआई 10,000 तक का नोट जारी कर सकती है। पुराने नोटों से नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो नए नोट आए 2016 से उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान है और 500 रुपये के नए नोट पर रेड फोर्ट दिखाया गया है। 200 रुपये के नए नोट पर सांची का स्तूप दिखाया गया है, प्लस लेटर एच होता है उसमें, ठीक है। 100 रुपये का जो नोट है उसमें रानी की वाव दिखाई गई है और हम्पी रथ के साथ दिखाया गया है 50 रुपये के नोट में। 10 रुपये के नोट में कोणार्क का सूर्य टेम्पल दिखाया गया है, ठीक है। बाकी 500 का पुराना नोट जो बंद हो चुका है उसके बारे में जानकारी रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जो नोट छापते हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2006 में स्टैब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में है। और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड 1995 में बेंगलुरु में है। ये पूरी तरह से आरबीआई ओन्ड सब्सिडी है, ठीक है, नीचे वाली भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, ये आरबीआई की सब्साइडरी है और ये पूरी तरह से होली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? ओल्डेस्ट इलाहाबाद बैंक। फाइटर भोग राजू पट्टा भी सीतारमैया के द्वारा जो स्थापित किया गया बैंक कौन सा है? आंध्र बैंक है, ठीक है। पहला बैंक जिसने भारत के बाहर अपनी शाखा खोली थी वो बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन में खोली थी 1946 में। ISO 9002 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला अपनी किसी ब्रांच के लिए पहला बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक। किस बैंक के 100 ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 2011 में भारतीय डाक ने एक स्टैम्प जारी किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। पहला बैंक जो कि पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा ओन्ड था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। द बैंक फॉर्मड ऑन द एफर्ट्स ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के एफर्ट से कौन सा बैंक खोला गया था? पंजाब नेशनल बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक का पहला मर्जर कब हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 1993 में, ठीक है। किस बैंक के पास ब्रांड इक्विटी है? पिग्मी डिपॉजिट स्कीम। ये किस बैंक के पास है? ये है सिंडिकेट बैंक के पास। ये श्री जी डी बिरला ने जिसकी शुरुआत की थी वह यूको बैंक।
महात्मा गांधी के द्वारा जो 1919 में शुरू किया गया था वो है, मतलब शुरू नहीं किया गया था, जिनके द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है नेशनलाइज बैंक में, वो है पंजाब नेशनल बैंक। जो बैंक 1913 में बैंक ऑफ मैसूर लिमिटेड के नाम से शुरू किया गया था वो है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ठीक है, अगला है लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक ऑफिसेज जिसके हैं, जहाँ पर हैं, जिस प्रदेश में, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 31/3/2013 तक सबसे ज़्यादा आपके बैंकों के ब्रांच हैं, कॉमर्शियल बैंक्स के ब्रांच हैं। वो बैंक जो एनुअल मुंबई मैराथन को स्पॉन्सर करता है, जो कि जनवरी मंथ में होता है, यह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बैंक से रिलेटेड जो ट्रेनिंग सेंटर और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग ये पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट ये पुणे में है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च ये मुंबई में है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ये हैदराबाद में है। अब हम लोग वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में। इसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट, इसके हेड होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक के पहले प्रेसिडेंट या फिर जो एमडी होते हैं वो कौन बने थे, यूजीन मीयर, और यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे सबसे पहले आईएमएफ की, वो कैमाइल गट थी। आज की डेट तक प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के कौन हैं 2019 में, बताइए कमेंट करके आप लोग। 2019 में आईएमएफ की प्रेसिडेंट कौन है, आईएमएफ की एमडी जो होती है वो कौन है, बताइए कमेंट करके। ठीक है, इस समय कौन यहाँ पर पोस्ट लिए हुए है। हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन में है और वाशिंगटन में ही आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का काम है इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना डेवलपिंग कंट्रीज के बीच। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना जिससे वहाँ के लोग अच्छा जीवन जी सकें और अच्छा जीवन चला सकें अपना। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का रोल है कि मॉनिटरी सिस्टम को यहाँ पर देखना, ऐसे मॉनिटरी सिस्टम को इनक्रेज करना जो कि जॉब क्रिएट कर सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके पूरे वर्ल्ड में, ना केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ में। रेगुलर रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से आईएमएफ के द्वारा पब्लिश की जाती है रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ को देता है यहाँ पर कैपिटल, और यहाँ पर आईएमएफ क्या करता है, ये किसी भी नेशन को यहाँ पर देता है फंड, प्रोवाइड करता है फंड। वर्ल्ड बैंक जो यहाँ पर लोन देता है या फिर कह सकते हैं जो भी फंड देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है उस इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में जिस इंटरेस्ट रेट पर आईएमएफ अपने नेशंस को लोन देता है। ठीक है, और जो आईएमएफ का लोन है वो कम समय के लिए मिलता है कंट्रीज़ को, वो मिलता है 3 से 5 सालों के लिए। वहीं वर्ल्ड बैंक का लोन जो है मिलता है 12 से 15 साल के लिए कंट्रीज़ को, और जो बहुत वेरी पुअर डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनको यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है मोस्ट ऑफ़ द केसेस में 35 से 40 साल के लिए। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के नाम से कलेक्टिवली जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया गया था यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो 43 कंट्रीज़ की हुई थी ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर न्यू हैम्पशायर यूएस में 1944 में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड यूएस के प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करते हैं या फिर उनको चूज करते हैं। वर्ल्ड बैंक के 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर लें तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक आएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 53 अफ्रीकन और नॉन अफ्रीकन कंट्रीज इसके मेंबर हैं। सस्टेनेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करनी है, पॉवर्टी को अफ्रीका में रिड्यूस करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है एबिडजान में जो कि कोट इक्विडोर नाम की कंट्री पर पड़ता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, एशिया पैसिफिक कंट्रीज और 19 नॉन एशिया पैसिफिक कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, एशिया और पैसिफिक रीजन में पॉवर्टी से लड़ना इसका लक्ष्य है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मेट्रो मनीला फिलीपींस में। ठीक है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है, 64 कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसके मेंबर हैं। ठीक है, इसका लक्ष्य वही है कि ओपन मार्केट इकोनॉमीज को यहाँ पर फोस्टर किया जाए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, लंदन यूके में।
इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक 26 रीजनल कंट्रीज़ और 22 नॉन रीजनल कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। लैटिन अमेरिका कैरेबियन कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे वो पॉवर्टी के खिलाफ लड़ सकें, इक्वलिटी को स्टैब्लिश कर सकें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC US में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर लें जिसको AII भी बोलते हैं, 21 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में। एशिया पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस को प्रमोट करना है इसका लक्ष्य कुल मिला करके। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है, ये फॉर्म हुई थी कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर जिसने विजिट किया था इंडिया को 1946 में। सबसे पहला फैक्ट तो ये रहा। दूसरा फैक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले इसकी मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसको सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस के नाम से जानते हैं। अब मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर प्रोविजनल चेयरपर्सन बने थे असेंबली के। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर बाद में परमानेंट चेयरपर्सन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, उसमें इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक घोषित किया गया था और बाद में फ्यूचर गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कुल मिलाकर के कितना समय लगा था, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये लगे 2 साल 11 महीने 17 दिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए थे, ठीक है, जो कुल मिलाकर के 165 डेज में हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स ने 24 जनवरी 1950 को अपने सिग्नेचर यहाँ पर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान फोर्स में आ जाता है, ठीक है, पूरी तरह से लागू हो जाता है। इस बात को समराइज कर लेते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पास किया गया 13 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। मेंबर्स ने साइन कब अपने दिए? 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में कब आता है? हमारे रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे जो कमिटीज हैं उनके चेयरपर्सन के नाम कई बार लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर, इसके चेयरपर्सन कौन? राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन? राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस और स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन कौन? राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी के चेयरपर्सन कौन? अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी के चेयरपर्सन पट्टाभि सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरपर्सन के एम मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, इसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद। कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके हेड GV मालवंकर। स्टेट कमेटी के हेड आपके जवाहरलाल नेहरू। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये हैं वल्लभ भाई पटेल। माइनॉरिटीज सब कमेटी के कौन थे? HC मुखर्जी, ये कई बार पूछा गया है, मैं स्टार बनाकर याद करिए आप इसको। फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी के चेयरपर्सन JB कृपलानी। एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज जो कि असम से अलग हैं, उनके लिए सब कमेटी AV ठक्कर की बनाई गई थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और असम एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड सब एरियाज कमेटी के चेयरपर्सन कौन? गोपीनाथ बरदोल लोई। यूनियन पावर कमेटी के चेयरपर्सन कौन? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन कौन? जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन? BR अम्बेडकर। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बेसिक ओवरव्यू है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, आप जानते हैं लगातार अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ है अभी आपका NCBC का फॉर्मेशन हो या फिर बाकी, तो ये अब थोड़ा सा डेटा पुराना ही रहेगा यहाँ पर, जो ये सब दिया हुआ है कि हमारे शेड्यूल कितने, आर्टिकल कितने हैं, ये बदलते रहते हैं। इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, जो पूछे जाते रहते हैं, जैसे आर्टिकल 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में गिवन है यहाँ पर। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो सिटीजन्स की उसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 80 ये नंबर ऑफ सीट्स जो राज्यसभा के लिए उसको स्पेसिफाई करता है। आर्टिकल नंबर 81 ये नंबर ऑफ सीट्स जो लोकसभा के लिए उसको स्पेसिफाई करता है। आर्टिकल नंबर 143 हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर स्पेसिफाई करता है। आर्टिकल नंबर 356 जो है ये प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट्स में लगेगा उसके इम्पोजिशन को स्पेसिफाई करता है। आर्टिकल नंबर 368 जो है ये अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। आर्टिकल नंबर 370 जो है ये कश्मीर को स्टेट स्पेशल स्टेटस देने के लिए है। आर्टिकल नंबर 395 जो है
ये गवर्नमेंट ये इंडिपेंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, या फिर कह सकते हैं 19 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का निरसन इसको भंग करने की मांग करता है। इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में बात कर लें तो पहला शेड्यूल इसमें यूनियन और स्टेट यूनियन टेरेटरीज और स्टेट्स की लिस्ट के बारे में गिवन है। सेकंड शेड्यूल में यहाँ पर प्रोविजन्स हैं प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर डेप्टी स्पीकर और चेयरपर्सन और डेप्टी चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब जितने भी हमारे बड़े पद हैं उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG सबके बारे में गिवन है। थर्ड शेड्यूल में यहाँ पर क्या शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, ओथ ऑफ अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में यहाँ पर एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए उसके बारे में गिवन है। सिक्स शेड्यूल के प्रोविजन्स यहाँ पर हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्राइबल एरियाज का होगा असम में, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम में। सेवन्थ शेड्यूल जो है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में गिवन है। एट्थ शेड्यूल में रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में गिवन है और हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में गिवन है। नाइन्थ शेड्यूल में यहाँ पर एक्ट्स और रेगुलेशंस के वैलिडेशन के बारे में दिया है। टेंथ शेड्यूल में दिया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे काम करेगी। ठीक है, मतलब दल बदलू के खिलाफ कानून कैसे काम करेगा वो। इलेवेंथ शेड्यूल में पावर्स अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है पंचायत की उसके बारे में गिवन है। ट्वेल्थ शेड्यूल में यहाँ पर पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्यूनिसिपैलिटी की क्या होंगी उनके बारे में गिवन है। MPMLA से रिलेटेड जो कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे आर्टिकल नंबर 80। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की कितनी होगी, 250, जिसमें से 12 मेंबर्स जो आएंगे वो नॉमिनेट होकर के आएंगे प्रेसिडेंट से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 81 में गिवन है कि जो हाउस ऑफ पीपल होगा यानी कि लोकसभा, उसकी स्ट्रेंथ होगी 552। ठीक है, 530 मेंबर यहाँ पर इलेक्ट होकर के आएंगे, 20 मेंबर यहाँ पर यूनियन टेरेटरी से इलेक्ट होकर के आएंगे। ठीक है, और 2 यहाँ पर एंग्लो इंडियंस के रूप में नॉमिनेट की जा सके केस नॉमिनेट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट जी के द्वारा। आर्टिकल नंबर 170 ये कहता है कि नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी स्टेट में वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, जिसमें कि 60 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन जो है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी जितनी भी स्टेट में है वहाँ से इलेक्ट होकर के आए, ये कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सामने देख रहे हैं। एज लिमिट वाला क्राइटेरिया कई बार पूछा जाता है, मिनिमम एज जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की, 35 साल। ठीक है, आर्टिकल नंबर 58(1)(b) में ये चीज़ गिवन है। दूसरी बात, मिनिमम एज जो वाइस प्रेसिडेंट की होनी चाहिए वो आर्टिकल नंबर 66(3)(b) के तहत 35 साल की होनी चाहिए। ठीक, मिनिमम एज गवर्नर के लिए कितनी होनी चाहिए, गवर्नर के लिए भी 35 है, आर्टिकल नंबर 157 में गिवन है। ठीक है, मिनिमम एज जो MP लोकसभा के लिए होनी चाहिए वो 25 है, आर्टिकल नंबर 84(b) में गिवन है। मिनिमम एज जो MLA बनने के लिए होनी चाहिए वो 25 साल है, वो 173 नंबर आर्टिकल में गिवन है। MP के रूप में राज्यसभा का इलेक्ट होने के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है 25 और 30 का, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भी आर्टिकल नंबर 84(b) में गिवन है। MLC बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 30 ईयर, वो भी 173(b) में गिवन है। अपर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर जज बनने के लिए, ये होनी चाहिए 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के ज़्यादा के लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए यहाँ पर कितनी एज होनी चाहिए, 62। ठीक है, आर्टिकल नंबर 217 में। स्टेट कमीशन का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 62 ईयर्स, 21 साल एज होनी चाहिए यहाँ पर। पंचायत के इलेक्शन यहाँ पर लड़ने के लिए 21 साल यहाँ पर होनी चाहिए, म्यूनसिपल्टी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ने के लिए। आर्टिकल यहाँ पर गिवेन है 243 243। आर्टिकल नंबर 24 में गिवेन है कि किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 14। 14 साल के कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे किसी भी फैक्ट्री में। 6 से 14 साल के बच्चों का आर्टिकल नंबर 21(a) के तहत फंडामेंटल राइट बताया गया है एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, या कह सकते हैं बेसिक एजुकेशन के लिए। वोटर के रूप में रजिस्टर होने के लिए 18 साल है, आर्टिकल नंबर 326 में बताया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि अलग अलग एक्ट जो है हमारे इंडिया में उसके अनुसार जुवेनाइल चाइल्ड और माइनर किसे माना जाता है, कितनी एज के लड़के या लड़कियों को जुवेनाइल चाइल्ड या माइनर माना जाता है। तो इसको देखते हैं हम, जैसे माइनर मानते हैं इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत 16 वर्ष से कम आयु के मेल को। ठीक है, और
यहाँ पर माइनर मानते हैं 18 ईयर्स से कम उम्र की फीमेल को, ठीक है, 363A के तहत जो भी पर्पस है उनके लिए। चाइल्ड और जुवेनाइल किसको मानते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 में है, अ पर्सन हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड 18 ईयर्स, यानी कि जिसने 18 वर्ष की आयु कम्प्लीट ना की हो, चाहे वो जेंडर मेल या फीमेल हो, उसे यहाँ पर मानेंगे जुवेनाइल। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के तहत चाइल्ड उसको माना जाता है अगर मेल है जिसकी आयु 20 वर्ष से कम उम्र की हो, ठीक है, और फीमेल है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम उम्र की हो, तो उसको चाइल्ड मानते हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत, ठीक है। और चाइल्ड किसको मानते हैं, चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत जिसने 14 वर्ष की आयु कंप्लीट ना की हो। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग एज पर चाइल्ड, जुवेनाइल या आपका माइनर माना जाता है अलग अलग एक्ट्स के हिसाब से, ठीक है। एज लिमिट जो सीनियर सिटीजन की डिफाइन की गई है अलग अलग एक्ट में, रेलवे के हिसाब से 60 वर्ष से अधिक उम्र के मेल जो हैं वो सीनियर सिटीजन होंगे, और 58 वर्ष से अधिक उम्र की विमेन जो होंगी वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगी रेलवे रूल्स में। रेलवे से उनको अगर कोई भी बेनिफिट लेना है तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत 60 वर्ष के लोग, 60 वर्ष या उससे अधिक के लोग यहाँ पर होंगे सीनियर सिटीजन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग ड्यूरेशन हैं उनके बारे में अगर बात कर लें तो दो सेशन जो भी पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के बीच का गैप होगा वो 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में। मैक्सिमम लाइफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की कितनी होती है, 6 मंथ, और ये 6 वीक तक बढ़ाई जा सकती है बाद में, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड मतलब इलेक्शन जितने दिन बाद कंडक्ट करवा देने चाहिए, अगर किसी भी हालत में प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेट है उसकी डेथ के कारण, रेजिग्नेशन के कारण या रिमूवल के कारण, तो 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाने होंगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन जितने दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है किसी भी स्टेट में वो है 6 मंथ, ठीक है, और 3 साल के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है। टाइम पीरियड कितना होता है कि लोकसभा अगर बिल पास कर दे तो राज्यसभा उसको रिटेन कर सकती है, डिले कर सकती है, ठीक है, या विचार कर सकती है जो भी, 14 दिन के लिए, 14 डेज। मैक्सिमम ड्यूरेशन जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, मतलब इनका कार्यकाल कितना होता है ये पूछा है केवल, तो 5 साल का कार्यकाल होता है, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, जिस डेट पर अपॉइंट की जाती है उसके अगले 5 साल तक। लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर जो है एमरजेंसी, मतलब लोकसभा या राज्यसभा कितने दिन तक एमरजेंसी की घोषणा के समय को बढ़ा सकते हैं, तो 1 साल तक कर सकते हैं एक बार में। एमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के दौरान लोकसभा या राज्यसभा का टर्म कब तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि अगर एग्जिस्टिंग लोकसभा है 5 साल पूरे कर चुकी है लेकिन इमरजेंसी चल रही है तो 6 मंथ तक फंक्शन कर सकती है, ठीक है। वो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, जब एक यूनियन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है बिना पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर हुए, तो 6 महीने तक कर सकता है, और 6 महीने के अंदर उसको अपनी सदस्यता दिखानी होती है। मैक्सिमम ड्यूरेशन जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एबसेंट रह सकता है बिना परमिशन के, ठीक है, 60 दिन के बाद उसकी सीट जो है वैकेट घोषित कर दी जाती है। वो मैक्सिमम पीरियड क्या है, जब पर्सन को अरेस्ट करके कैप्टिविटी में रखा जा सकता है बिना उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने दिखाए हुए, 24 घंटे तक रख सकते हैं, ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं। मैक्सिमम ड्यूरेशन पंचायत या म्यूनसिपैलिटी की कितनी होती है, जब से इलेक्ट होते हैं 5 साल की होती है। मैक्सिमम ड्यूरेशन जब यूनियन कमीशन में बना रह सकता है, कब तक के लिए बना रह सकता है, जब तक या तो वो 65 साल का नहीं हो जाता या तो उसके कार्यकाल के 6 साल पूरे नहीं हो जाते। मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, जब मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन का जो है अपने पद पर बना रह सकता है जब तक वो 62 इयर्स का नहीं हो जाता या तो उसके कार्यकाल के 6 साल नहीं पूरे हो जाते, ये कहने का मतलब है। अगर कोई कैंडिडेट एक से अधिक सीट पर, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के सदन से इलेक्ट किया जाता है तो उसको अपनी सीट छोड़ने के लिए कितने दिन की मोहलत मिलती है, 10 दिनों की। अब कौन किसको शपथ दिलाता है, ये काफ़ी ज़रूरी है। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और अगर वो एबसेंट है या फिर उसकी पोस्ट वैकेट है तो सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट में वो शपथ ग्रहण करवाएंगे, ठीक है।
वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन उनके बिहाफ पर। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन दिलाता है शपथ? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। गवर्नर की बात कर लें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा, या फिर सीनियर मोस्ट जज जो होगा उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का, वो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट में उनको शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। और जज होता है जो हाई कोर्ट में उसको शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर, ठीक है। अब रेजिग्नेशन कौन किसको देता है? तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट देंगे प्रेसिडेंट को, तो वाइस वर्सा ये काम करता है। प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को, गवर्नर देंगे प्रेसिडेंट को, और जज हाई कोर्ट के देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये हो गया। लोकसभा का स्पीकर हमेशा डेप्टी स्पीकर को देता है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को नहीं देगा। डेप्टी स्पीकर किसको देता है? लोकसभा के स्पीकर को। डेप्टी चेयरपर्सन जो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, वो चेयरमैन को देगा। मेंबर जो होंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, वो देंगे चेयरपर्सन को, यानी कि किसी भी हाउस के चेयरपर्सन को, ठीक है। स्पीकर जो होगा वो डेप्टी स्पीकर को देगा असेंबली में, और डेप्टी स्पीकर जो होगा असेंबली में वो असेंबली में स्पीकर को देगा। चेयरपर्सन जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट का, डेप्टी चेयरपर्सन को देगा। डेप्टी चेयरपर्सन जो होगा वो चेयरमैन को देगा। तो काफ़ी में आप देखोगे कि एक दूसरे को इस्तीफा दिया जा रहा है। कोई मेंबर होगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, या फिर ज्वाइंट कमीशन का, या फिर यूनियन कमीशन का, वो प्रेसिडेंट को देगा। UPSC का कोई भी होगा वो गवर्नर को देगा उस स्टेट के। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, UPSC की नहीं बात कर रहे हैं। स्टेट PCS का कोई भी यहाँ पर स्टेट कमीशन का वो होगा, वो अपना इस्तीफा किसको देगा? गवर्नर को। अब इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं, संविधान संशोधन, ठीक है। 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, ये लिंग्विस्टिक बेसिस और रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट का लिंग्विस्टिक बेसिस पर, और यूनियन टेरिटरीज जो है वो अस्तित्व में आई थी। नवा यहाँ पर अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? इंडियन टेरिटरी के एडजस्टमेंट से पाकिस्तान समझौते के बाद। 10वां अमेंडमेंट, दादरा और नगर हवेली जो है यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में इंक्लूड की गई थी, ठीक है, पोर्चुगल से अधिग्रहण करके। 12वें अमेंडमेंट एक्ट में 1961 में गोवा, दमन और दीव को यहाँ पर अधिग्रहित किया गया था पोर्चुगल से। 13वें अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि नागालैंड को एक स्टेट बनाया जाता है, ठीक है, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1971 ए के तहत 1 दिसंबर 1963 को स्पेशल स्टेट बनाया जाता है, ठीक है। 14वें अमेंडमेंट एक्ट में पौंडीचेरी जो है वो इंडियन यूनियन में आ जाता है, फ्रांस से हमको ये मिल जाता है। 21वें में सिंधी को 8वें शेड्यूल में शामिल किया गया था। 26वें अमेंडमेंट एक्ट में प्रिवी परसू जो है वो जो मिलती थी किसको, रियासत वालों को, ठीक है, प्रिंसली स्टेट को, तो उसको एबॉलिश किया गया था, ठीक है। 36वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये स्टेट बनाया गया था, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेस्क्राइब की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक बना था, ठीक। 44वें की बात कर लें तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है डिलीट किया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से। 52वें अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? डिफेक्शन यानी कि दलबदलू कानून लागू हुआ था, और जो एक दूसरे की दलबदली कर लेते थे वो उसको इलीगल घोषित किया गया। 61वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था कि वोटिंग की एज को कम किया गया, 21 थी पहले उसको 18 किया गया, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये वाले जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, ये वाला पूछा जाता है। 71वें अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को हमारे 8th शेड्यूल में शामिल किया गया लैंग्वेजेस में। पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, पार्ट नंबर 9 को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 73वें अमेंडमेंट एक्ट बहुत 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 बार पूछा गया है, ठीक है। 86वें अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को यहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए घोषित किया गया और कंपलसरी कर दिया गया एजुकेशन को। 52वें अमेंडमेंट एक्ट में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को एक लैंग्वेज के रूप में हमारे 8वें शेड्यूल में भाषा के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। अब 23वें, 45वें, 62वें और 79 और 95 में क्या है कि यहाँ पर रिजर्वेशन बढ़ाया गया SC ST के लिए। एंग्लो इंडियन मेंबर को पार्लियामेंट में नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। 96वें अमेंडमेंट एक्ट में
ओडिया भाषा ऐड की गई, ठीक है, ओडिया फॉर ओडिया ये ऐड की गई 8th शेड्यूल में। ओडिया भाषा हमारे 22 भाषाओं में शामिल की गई। पार्ट नंबर 9B यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया 2012 में, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिलेटेड ये रूल। अब 101वां अमेंडमेंट एक्ट क्या था, ये आया था आपका गुड्स और सर्विस टैक्स के लिए 2016 में। 102 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आप जानते हैं, काफ़ी चर्चा में रहा था, NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को एक वैधानिक निकाय बनाया गया, संवैधानिक निकाय बनाया गया। 103वां अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर EWS के लिए आया था, ये भी चर्चा में रहा था, ठीक है। 52वां अमेंडमेंट एक्ट जो है इसमें 59 क्लॉजेस थे करीब, और बहुत सारे चेंजेस इसने लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव प्रपोजल का जो ड्राफ्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिल। जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो करके, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, मंजूरी, तो बन जाता है हमारा एक्ट, ठीक है। अब मेंबर जो होते हैं हाउस ऑफ पीपल उसको क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। मेंबर जो मिनिस्टर ना हो करके होते हैं उनको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। अगर किसी भी डेफिनेट डेट फिक्स किए बिना, ठीक है, मीटिंग कैंसिल की जाती है तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाए, एडजर्नमेंट सिने डाए। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 82 में दी गई शक्तियों के अनुसार प्रेसिडेंट अगर यहाँ पर कैंसिल करता है किसी सेशन को तो उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन। अब यही टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला आर जो होता है ये क्वेश्चन आस्किंग के लिए, उसको क्वेश्चन आर बोलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो कि यूजुअली 1/10 होते हैं, किसी भी कमेटी को कंडक्ट करने के लिए, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए पूरे हाउस का, उसको बोलते हैं कोरम। एक सेल्फ कंटेंड इंडिपेंडेंट प्रपोजल जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं रिजोल्यूशन। जो स्पीकर या चेयरपर्सन जो वोट कास्ट करता है उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। और जो फ्रेज या वर्ड्स डिलीट किए जाते हैं हाउस के रिकॉर्ड से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सपंक्शन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट बोलते हैं, तो पता ही होगा आपको। और किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज नहीं किया जाता है, उसको अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है, ठीक है, रिकमेंडेशंस के साथ, उसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। एक जो बिल होता है जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है हर साल, उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। और मनी बिल क्या होता है, मनी बिल के बारे में आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया है, ठीक है। ऐसा बिल जो है ये कहाँ पर जनरेट हो सकता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना ये नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, राज्यसभा में भी नहीं हो सकता है, तो ये है मनी बिल। किसी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए किसी स्पेसिफिक अमाउंट तक के लिए उसको बोलते हैं कट मोशन। अगर कोई क्वेश्चन पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड उठाया जाता है हाउस में जो अर्जेंट नेचर का होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई मेंबर ओरल आंसर चाहता है किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। रिटन आंसर का डिमांड करते हुए जो क्वेश्चन रखा जाता है उसको बोलते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन। अब एग्रीकल्चर के बारे में जैसे हम लोग बात कर लें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे इसमें। सबसे पहले सॉइल के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सॉइल पाई जाती है आपके इंडो गैंगटिक रीजन में वो कौन सी है, वो है एलुवियल सॉइल। जो सॉइल जो स्वेल हो जाती है, ठीक है, गीली हो जाती है जब इसको मॉइस्चर मिलता है, और जब इसको हीट मिलती है तो इसमें क्रैक आ जाते हैं, तो ये कौन सी है, ब्लैक सॉइल है। ये कई कई बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। सॉइल जो होती है जो कलर लिए रहती है, ठीक है, अपने अंदर प्रेजेंट ऑक्साइड्स के कारण, वो कौन सी होती है, लेटरलाइट सॉइल होती है। जिस सॉइल में फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत सबसे कम होती है वो एलुवियल सॉइल होती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। सेल्फ फ्लफिंग प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, ब्लैक सॉइल में, ठीक है। इस सॉइल को जिप्सम के साथ ट्रीट करते हैं जिससे क्रॉपिंग के लायक बनाया जा सके, इसको बोलते हैं अल्कलाइन सॉइल। जो सॉइल जो सॉल्युबल साल्ट्स की मात्रा में पुअर होती है उसको बोलते हैं लेटरलाइट सॉइल। जो सॉइल में रिच ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको बोलते हैं पीटी सॉइल, पीटी सॉइल। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है ब्लैक सॉइल। खादर और बांगड़ जो है वो एलिवेल सॉइल के प्रकार हैं। रीगर सॉइल किसको बोलते हैं, रीगर सॉइल बोलते हैं ब्लैक सॉइल को, ब्लैक सॉइल को।
और अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए वो होती है लेटरलाइट सॉइल, और जो ब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है वो भी है लेटरलाइट सॉइल। अब कौन सी सॉइल कैसे बनती है, जैसे डिपोजिशन से बनती है रिवर्स के डिपोजिशन के कारण, ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, ये जो लावा डिपॉजिट्स हुए हैं, लावा डिपॉजिट्स जो डेक्कन प्लेट्यू में हुए उनकी वेदरिंग के कारण, ठीक है, उनके वेदरिंग के कारण। रेड और येलो सॉइल जो है वो कैसे बनती है, ओल्ड क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग के कारण, ठीक है। येलो सॉइल मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग के कारण। लेटरलाइट सॉइल कैसे बनती है, लीचिंग के कारण, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया के कारण जो ह्यूमस का डिस्ट्रक्शन होता है उसके कारण। एरिड सॉइल किससे बनती है, रॉक्स की वेदरिंग से, वो भी ड्राई कंडीशन में। सलाइन सॉइल कैसे बनती है, टाइड्स रिवर और सी ब्रीज के डिपोजिशन के कारण। पीटी सॉइल कैसे बनती है, लार्ज ऑर्गेनिक मैटर की डिपोजिशन के कारण। अब सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, एलुवियल सॉइल आपको पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में देखने को मिलेगी, ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगी यानी कि वेस्ट बंगाल साइड, वहाँ के रिवर वैली में देखने को मिलेगी, गुजरात में मिलेगी और राजस्थान में। ब्लैक सॉइल आपको जहाँ बनती है वहीं मिलेगी, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू में, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और कुछ पार्ट तमिलनाडु में भी। रेड और येलो सॉइल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, या आपको ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगी, डेक्कन प्लेट्यू के कुछ कुछ हिस्सों में, और स्लॉप्स पर देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट्स में, ओडिशा में देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ में, और मिडिल गंगा प्लेन में आपको देखने को मिलेगी। लेटरलाइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल मिलता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा और असम के हिली एरियाज़ में। एरिड सॉइल आपको वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेगी, वेस्टर्न गुजरात, कच्छ के रण में आपको सलाइन सॉइल देखने को मिलेगी, सुंदरबन डेल्टा में आपको सलाइन सॉइल देखने को मिलेगी। पीटी सॉइल आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, नॉर्दर्न बिहार में, सदर्न पार्ट उत्तरांचल के सदर्न पार्ट में, और वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में और तमिलनाडु में। क्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो खरीफ का यहाँ पर पीरियड क्या माना जाता है, जून टू अक्टूबर, जून में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है, रबी का होता है नवंबर से मार्च, नवंबर में बोई जाती है, मार्च में काटी जाती है। खरीफ में आते हैं राइस और मिलेट्स, और रबी में आते हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड। और जायद क्रॉप्स क्या होती है, वाटरमेलन, कुकम्बर, मस्क मेलन और शुगर केन, ठीक है, मार्च में बोई जाती है, जून में काट ली जाती है। खरीफ का मतलब अरेबिक में ऑटम्न होता है, खरीफ क्रॉप्स जो हैं विंटर में हार्वेस्ट की जाती है, और रबी का मतलब अरेबिक में स्प्रिंग होता है, तो ये टर्म भी ध्यान रखिएगा। और किस क्रॉप को वाटर लॉगिंग की आवश्यकता होती है कल्टीवेशन के लिए, यानी कि पानी भर दिया जाता है खेतों में, राइस में, ठीक है। रेनफॉल केवल 2 महीने के लिए जहाँ पर होती है उसकी, वो वहाँ पर कौन सा कल्टीवेशन सूटेबल होता है, पल्सिस का, यानी दालों का। रेनफॉल जिसको 200 सेंटीमीटर के करीब चाहिए, और जहाँ पर स्लॉपिंग हिल्स हो वो कहाँ पर, वो वहाँ पर क्या उगता है, टी। जिस क्रॉप को बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल चाहिए और स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए वो है टी। जो प्लांट बहुत बेस्ट माने जाते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सॉइल में, वो होते हैं लेग्यूम्स, ठीक है। जो क्रॉप्स यहाँ पर मार्केट में सेल के लिए होती हैं, फार्मर के कंजम्पशन के लिए नहीं, वो होती हैं कैश क्रॉप्स। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टडीज़ होती हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और रियरिंग ऑफ एनिमल्स। हॉर्टिकल्चर को क्या बोलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, नट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाना। फ्लोरिकल्चर बोलते हैं फ्लावर्स के कल्टीवेशन को। एर्बोरिकल्चर बोलते हैं ट्री और श्रब्स के कल्टीवेशन को या उनको उगाने को। एपिकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। एक्वाकल्चर बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को पालने के लिए। टर्म एविकल्चर बोलते हैं पंछी पालने के लिए। पिसिकल्चर बोलते हैं फिश पालने के लिए। पोमिकल्चर बोलते हैं फ्रूट्स उगाने के लिए। सेरिकल्चर कई बार आ चुका है, सेरिकल्चर का मतलब होता है ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। विनीकल्चर या विटली कल्चर क्या होता है, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। 3 टाइप के मेजर इरिगेशन होते हैं, बेसिन इरिगेशन, फरो इरिगेशन, बॉर्डर इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन भी होता है, सरकार उसको प्रमोट कर रही है। राइस इज कॉमनली ग्रोन इन बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन से राइस उगाते हैं, फरो इरिगेशन से हम लोग मेज या सनफ्लावर उगाते हैं, और बॉर्डर इरिगेशन से हम लोग क्या उगाते हैं, पैस्चुरा या अल्फाफ्ला, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन भी होता है, ड्रिप इरिगेशन, जिसमें स्प्रे किया जाता है, बहुत कम वाटर जो है बहुत अच्छे से फैल जाए क्रॉप में, और बहुत कम वेस्टेज हो, इसलिए ड्रिप इरिगेशन वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग।
कुछ मेजर गेम्स के इवेंट्स देख लीजिए, जैसे ओलंपिक गेम्स सबसे पहले कहाँ पर हुए थे, 1896 एथेंस ग्रीस में, लास्ट कहाँ पर हुए, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, अगले कहाँ पर होंगे, टोक्यो जापान में। इनके मैस्कॉट्स भी आ चुके हैं, मिराइतोवा और सोमाइटी। कॉमनवेल्थ गेम्स अगले कहाँ पर होंगे, बर्मिंघम यूके में होंगे, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 2018 में, क्वींसलैंड में, इनका समरी भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। एशियन गेम्स जकार्ता में हुए थे 2018 में, अगले होंगे हैंगजाओ में, स्पेलिंग सही करेंगे यहाँ पर, हैंगजाओ। विंटर ओलंपिक पोंचांग में हुए थे साउथ कोरिया में, इनको प्योयांग भी बोलते हैं जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है। अगले कहाँ पर होंगे, बीजिंग चाइना में, अगले वाले जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हैदराबाद में हुए थे एफ्रो एशियन गेम्स आखिरी, और अभी पता नहीं कि कहाँ पर होंगे, ठीक है, मतलब कब होंगे, अल्जीरिया में होंगे लेकिन कब होंगे अभी डिसाइडेड नहीं है। 1995 में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हुए थे मंगयोंग साउथ कोरिया में, अब वुहान चाइना में होंगे 2019 वाले, ठीक। यूथ ओलंपिक गेम्स ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुए थे, और डाकर जो सेनेगल की कैपिटल है वहाँ पर होंगे 2022 में। यूथ ओलंपिक गेम्स ये लॉसेन में होंगे स्विट्जरलैंड में, ठीक है, विंटर वाले, ये समर वाले हुए थे अभी ब्यूनस एरियस में। क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में चल रहा है, इंग्लैंड और वेल्स में, अगला कहाँ पर होगा अभी डिसाइडेड नहीं है। क्रिकेट वर्ल्ड कप वुमेन्स का कहाँ पर होगा, वुमेन्स का भी न्यूजीलैंड में होगा 2021 में, ठीक है। 2017 वाला कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में। फुटबॉल वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था, ठीक है, ये होगा अब कतर में, ये मेंस वाले की बात कर रहे हैं, वुमेन्स वाला फ्रांस में होगा 2019 में, इसी साल। हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में बात कर ले तो 2018 वाला कहाँ पर हुआ है, भुवनेश्वर में, ठीक है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। और आपका साउथ एशियन गेम्स काठमांडू नेपाल में होगा 2019 में। यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, यूरो कप जिसको बोलते हैं, 2020 में होगा यूरोप की 13 सिटीज़ में। वर्ल्ड मास्टर गेम्स कहाँ पर होगा, कंसाई जापान में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 इंडिया में होगी, ठीक है। एशियन एथलेटिक्स 2019 में होगी कहाँ पर, दोहा कतर में। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर, दोहा कतर में होगी। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड गेम्स कहाँ पर, बर्मिंघम यूके में होगा, ठीक है। इंडिया की तरफ से जो पहले अचीवमेंट्स हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक इंडियन इंडिविजुअल के द्वारा जो पहला ओलंपिक मेडल है वो किसने जीता था, के डी जाधव ने, ठीक है। जो पहला इंडियन था जिसने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, ये अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है। ये काफ़ी लेट हमने जीता था 2012 के ओलंपिक में, आप जानते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता था वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन जिन्होंने विम्बल्डन जूनियर सिंगल्स टाइटल जीता है वो रामनाथन कृष्णन, 1954 में उन्होंने जीता था, ठीक है, विम्बल्डन जूनियर सिंगल्स टाइटल। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था फ्रेंच ओपन मिक्स डबल टाइटल में, उनका नाम है महेश भूपति, 1997 में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने कैरियर ग्रैंड स्लैम जीता था मिक्स डबल्स में, किसने जीता था, महेश भूपति ने। मिक्स डबल्स का मतलब होता है एक मैन एक वुमेन प्लेयर और डबल डबल खेलते हैं। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने कैरियर ग्रैंड स्लैम डबल्स में अचीव किया वो है लियंडर पेस। पहला इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जीता बिलियर्ड्स में वो है विलियम जोन्स, पहले इंडियन ग्रैंड मास्टर, और साथ ही साथ फर्स्ट इंडियन जिन्होंने FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती वो है विश्वनाथन आनंद। पहले इंडियन जिन्होंने अंडर 10 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है ये है बालक पी हरिकृष्णा नाम के लड़के ने अंडर 10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती प्रकाश पादुकोण। फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में वो है आशीष कुमार। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता वो है कोनेरू हम्पी। यंगेस्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता वो है परिमार्जन नेगी। यंगेस्ट कैप्टन जो टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बने वो है मंसूर अली खान पटौदी। पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया वो है मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन वुमेन और एशियन वुमेन भी जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया वो है आरती साहा। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने पूरे 7 सीज में स्विम किया वो है बुला चौधरी। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में वो है कमलजीत संधू। फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट जिन्होंने एक
मेडल जीता वर्ल्ड इवेंट में, ब्रॉन्ज जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता वो है सानिया मिर्जा। फर्स्ट इंडियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में सुपर सीरीज टूर्नामेंट में रैंक नंबर वन पर आने वाली पहली इंडियन वुमेन प्लेयर कौन, ये है साइना नेहवाल। राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले किसको मिला था, ये मिला था विश्वनाथन आनंद को। और 2018 वाला किसको मिला था, विराट कोहली को, ठीक है, और साइखोम मीराबाई चानू को। 2019 वाला अवार्ड भी जल्दी आने वाला है। फर्स्ट रिसिपियंट कौन है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के, अपर्णा घोष। फर्स्ट क्रिकेटर कौन है जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, वो है सलीम दुर्रानी। पहले इंडियन कौन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था लगातार दो बार ओलंपिक गेम्स में, सुशील कुमार। राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ ने सबसे पहली सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी जीती थी किसी भी इंडियन क्रिकेटर के द्वारा। सर्वाधिक फर्स्ट यहाँ पर विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले थे वीरेंद्र सहवाग। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर लगातार दो साल से हैं विराट कोहली। जिन्होंने 100 मीटर रेस जीती थी 10 सेकेंड में, वो कौन है, वो जिम हाइन्स हैं। केवल 10 सेकेंड में 100 मीटर कवर करने वाले दुनिया के सबसे पहले हैं जिम हाइन्स। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स उससे नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज इससे क्वेश्चन आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम कौन है, पहली टीम है उरुग्वे, उरुग्वे। फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली वीमेंस टीम कौन है, यूएस। और हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम है पाकिस्तान 1971 में। वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम कौन है, नीदरलैंड्स। फर्स्ट टीम कौन है जिसने वर्ल्ड कप जीता था, वेस्टइंडीज़ है। फर्स्ट टीम जिसने वीमेंस का वर्ल्ड कप जीता था वो है इंग्लैंड। फर्स्ट टीम जिसने डेविस कप जीता था वो है यूएस 1900 में। फर्स्ट टीम जिन्होंने फेड कप जीता था यूएस। और पहली टीम जिसने मेडिका कप जीता था वो है हांगकांग। फर्स्ट टीम जिसने राइडर कप जीता था वो है यूएस। फर्स्ट टीम जिसने थॉमस कप जीता वो है मलेशिया। जिसने ऊबर कप जीता सबसे पहले वो यूएस है। और जिसने सुदीरमान कप जीता वो है इंडोनेशिया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था उनका नाम मैथ्यू वेब है, ये यूके से है। और फर्स्ट वुमेन जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था वो है जेरट्यूब इडरल। ठीक है, इनके नाम देख सकते हैं। अब ये आईपीएल के बारे में है तो ये इतना नहीं आएगा, सबसे पहले आईपीएल। कभी कभी क्रिकेट स्टेडियम्स के बारे में आता है, जैसे बंगबंधु स्टेडियम कहाँ पर है, ढाका में है। शेर बंगला स्टेडियम ये भी ढाका में है। खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ पर है, फतुल्लाह में है, फतुल्लाह। और शेख अबू नासिर स्टेडियम में कहाँ पर है, खुलना में। स्टेडियम जो पाकिस्तान में, वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में है। नेशनल स्टेडियम कराची में है। और इंग्लैंड में लीड्स है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। ओवल है कनिंगटन लंदन, जहाँ पर कल मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। और रोज बाउली साउथहैम्पटन में है। ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में है। और सोफिया गार्डन से कार्डिफ में है। अब साउथ अफ्रीका में जो स्टेडियम है वांडर स्टेडियम का, जोहानिसबर्ग, जो क्रिकेट वगैरह ज़्यादा देखते हैं उनको ये बात पता भी होगी, सेंचुरियन में है। किंग्समीट स्टेडियम है डरबन में है। सेंट जॉर्ज पार्क ये पोर्ट एलिजाबेथ में है। विलोमूर पार्क ये बेनोनी में है। और न्यूलैंड से केप टाउन में है। श्रीलंका में पी सारा ओवल कोलंबो में है। पल्ले केले इंटरनेशनल ये कैंडी में है। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम दाम्बुला में। और गाले इंटरनेशनल स्टेडियम वहाँ पर गाले में। वेस्ट इंडीज़ में सबाइना पार्क, किंगस्टन, वारन पार्क, क्विंस पार्क ओवल कहाँ पर है, पोर्ट ऑफ स्पेन में। हैगली ओवल ये क्राइस्टचर्च में है। सडन पार्क ये हैमिल्टन में। सेक्सटन ओवल ये नेल्सन में है। बेसिन रिजर्व ये वेलिंगटन में है। और शेख जायद स्टेडियम अबूधाबी में है। जो हमारे ओपन टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देख, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है किसी भी साल में, कब शुरू हुआ ये नहीं ध्यान रखना है हमको, जो चीज़ नहीं ध्यान रखनी वो भी बता दे रहे हैं, ये कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कौन से कोर्ट में होता है, ठीक है। ये प्लेक्सी कुशन में होता है फ्रेंच ओपन, फिर आपकी मिट्टी पे होता है, फिर विंबलडन घास पे होता है, और ये होता है सख्त ग्राउंड पर, ठीक है। तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और हमेशा करंट से इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर तो ये चार ग्रैंड स्लैम पूरे ईयर में हुए हैं तो 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता, ये पूछते हैं आपसे। 2019 में फ्रेंच में कौन जीता, विंबलडन में कौन जीता, यूएस ओपन में कौन जीता, ये सब आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो करंट वाला ही आपको ध्यान में रखना पड़ता है बस।
हाईएस्ट क्रिकेट स्कोर्स के बारे में बात कर ले, अभी तक इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने 319 रन मारे थे चेन्नई में, ये सबसे ज़्यादा है अभी तक, ठीक है। इसके बाद 319 के आगे अभी तक कोई नहीं निकला है इंडिया की तरफ से, हालांकि ब्रायन लारा 400 भी बना चुके हैं इंडिविजुअल स्कोर। रोहित शर्मा का 264 है, ये अनबीटेबल है, 264 अभी तक वनडे में किसी ने भी नहीं बनाए हैं, ठीक है, किसी ने भी नहीं बनाए हैं। बढ़ते हम लोग आगे, और ये दूसरी कंट्री का आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अनिल कुंबले ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए इंडिया की तरफ से 619, ठीक है। और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, मुरलीधरन ने 800 विकेट लिए हैं, ठीक है, 800। ये आंकड़ा हम टेस्ट मैचेस का बता रहे हैं, ठीक है। टेस्ट मैचेस में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं, श्रीलंका से मुरलीधरन ने। अब कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, ये आपसे पूछा जाता है, फाउंड कब हुई ये ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। डेविस कप किसका होता है, टेनिस का होता है। फेड कप किसका होता है, ये होता है टेनिस का। व्हाइटमैन कप किसका होता है, ये टेनिस का, ठीक है। मेल्डिका कप किसका होता है, फुटबॉल का। राइडर कप गोल्फ का। सोलहेम कप ये गोल्फ का। वॉकर कप ये गोल्फ का। और थॉमस कप ये बैडमिंटन का, मेन का, ठीक है। अब ऊबर कप किसका होता है, ऊबर कप होता है बैडमिंटन वुमेन्स का। सुधीर पान कप होता है बैडमिंटन का। और स्वेथलिंग कप किसका होता है, टेबल टेनिस का। और कॉर्बिलन कप किसका होता है, टेबल टेनिस का। सुल्तान अजलान शाह किसका कप होता है, ये होता है हॉकी का। और बीटन कप किसका होता है, ये होता है हॉकी का। एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप किसका होता है, ये हॉकी का। सुब्रतो फुटबॉल कप होता है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की। रोवर्स कप फुटबॉल का। डूरंड कप फुटबॉल का। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की होती है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की होती है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट की होती है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की होती है, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की होती है। बेसिक जीके फैक्ट और देख लीजिए यहाँ पर कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11। फुटबॉल में कितने होते हैं, 11। हॉकी में कितने होते हैं, 11। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15 और पोलो में 4, ठीक है। वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, 7। वॉलीबॉल में कितने, 6। और कबड्डी में 7। अब लैक्रोस में कितने होते हैं, 12। हैंडबॉल में 7, खो खो में 9 और सेपाक टैक्रो में 3, ठीक है। अभी कुछ मेजरमेंट्स दी हुई है, ये कभी कभी पूछी जाती हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली दिया रहता है सिलेबस में, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेंथ आप लोग देख लीजिए, मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम लेंथ वगैरह। हॉकी में 91.4 मीटर इंटू 55 मीटर का ग्राउंड होता है। बेसबॉल का ग्राउंड इतना बड़ा होता है। रग्बी का ग्राउंड इतना बड़ा होता है, ठीक है। लैक्रोस का, हैंडबॉल का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फालतू में इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वॉलीबॉल का ग्राउंड इतना बड़ा होता है। सेपॉक का इतना बड़ा होता है, आप देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कुछ कमिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिनका हेडक्वार्टर, जैसे FIH का हेडक्वार्टर न्यूज़ में रहता है लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में है। और ज़्यादातर कमिटीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो कहीं भी ऑप्शन ना आ रहा हो आपको और आपसे पूछ ले तो आप लॉसेन मार्क कर सकते हैं। खाली ICUCI का कहाँ पर है, एगिल में। और इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का बेसल में है, वरना ज़्यादातर लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में ही इन सब फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये दुबई में है इस समय, ठीक है, दुबई। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मलेशिया में है। इंटरनेशनल मॉडर्न पेंटाथलॉन यूनियन कहाँ पर है, मोनाको में है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कहाँ पर है, लंदन में। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कहाँ पर है, ये हंगरी में है। वर्ल्ड रग्बी कहाँ पर है, डुबलिन आयरलैंड में। और वर्ल्ड सेलिंग कहाँ पर है, हैम्पशायर ग्रेट ब्रिटेन में। अब ये कुछ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, नेशनल पुलिस म्यूजियम दिल्ली में, रेल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम दिल्ली में, ठीक है, नेशनल पुलिस म्यूजियम भी दिल्ली में, एयरफोर्स म्यूजियम दिल्ली में, ये सारे मतलब ज़्यादातर ये म्यूजियम वाले दिल्ली में है। मैडम टुसाड का म्यूजियम भी ऑफकोर्स न्यू दिल्ली में है। अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल भी न्यू दिल्ली में है। और इम्पॉर्टेंट वाले आपको बता देते हैं, जैसे इंडियन म्यूजियम जो है लार्जेस्ट इन इंडिया है, ये कोलकाता में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पर है, कोलकाता में, ना कि दिल्ली में। नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम में है। दांडी कुटीर म्यूजियम कहाँ पर है, गांधीनगर में है। पार्टीशन म्यूजियम कहाँ पर है, अमृतसर में। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा मुंबई में है। गार्डन के बारे में बात कर ले तो गार्डन नहीं पूछे जाते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगरा फोर्ट कहाँ पर है, आगरा में है। जनता केव्स कहाँ पर है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची के कहाँ पर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनस कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है।
चर्चेस और कॉन्वेंट्स कहाँ पर है? गोवा में, एलिफेंटा केव्स मुंबई में, एलोरा केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में, फतेहपुर सीकरी आगरा में, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में अलग अलग जगह पर, और मॉन्यूमेंट्स हम्पी के कहाँ पर पाए गए हैं? कर्नाटक में, मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम के कहाँ पर है? तमिलनाडु में, पट्टकदल के मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है? कर्नाटक में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, महाबोधि टेम्पल बिहार में, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया ये दार्जिलिंग ऊटी और शिमला में, कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, और सन टेम्पल कोणार्क ये कोणार्क ओडिशा में है। ठीक है, ताजमहल पता है सभी को, जंतर मंतर पता है, रानी की वाव कहाँ पर है? ये पाटन में है, गुजरात में। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नालंदा महाविहार ये नालंदा में है, और आर्किटेक्चरल वर्क जो है ली कॉर्बूसियर का वो चंडीगढ़ में देखा गया है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद ये गुजरात में, जिसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल करा है अभी 2017 के 18 के करीब। बढ़ते हैं आगे, अब ये आप देखेंगे ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये तो हम हिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। ये कुछ टेम्पल्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे चीन केशव मंदिर कहाँ पर है? बेलूर नाम की जगह पर कर्नाटक में है। ब्लैक पगोडा या सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में है। बृहदेश्वर टेम्पल ये थंजावुर में है, इसको पहले तंजोर बोलते थे। गंगाईकोंड चोलापुरम टेम्पल ये गंगाईकोंड चोला चोली वाश्रम में है तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? दारासुरम तमिलनाडु में है। हजार राम टेम्पल ये कहाँ पर है? हम्पी में। विरूपक्ष टेम्पल कहाँ पर है? पट्टक दल कर्नाटक में। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर में। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। कैलाश टेम्पल एलोरा में। महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में। और मुंडेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है? कैमूर में। शोर टेम्पल महाबलीपुरम में है। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल जूनागढ़ में है। आप ये बताइए कि जो शोर टेम्पल है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तिरुपति टेम्पल ये चित्तूर में है आंध्र प्रदेश में। सबरीमाला ये कहाँ पर है? पाटन मिट्ठन केरल में। माउंट एबू में दिलवाड़ा टेम्पल। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में। ज्येष्ठा देवी टेम्पल श्रीनगर में। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल वेस्ट बंगाल कोलकाता। इन्वेंशंस और इन्वेंटर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इनको देख लेते हैं इस पूरे लिस्टिंग को। पेंडुलम क्लॉक किसने इन्वेंट की थी? क्रिश्चियन ह्यूज ने। मैकेनिकल क्लॉक किसने बनाई थी? आई सिंह और लियांग तिंग सान ने, तो चाइनीज पीपल हैं। सेफ्टी मैच किसने बनाई थी? जॉन वॉकर ने। स्विंग मशीन किसने बनाई थी? बार्थमी थिमोनियर ने। स्विंग मशीन लॉक वाली किसने बनाई थी? इलियास या एलियस हुए ने। तो जब भी चेन स्टिच वाली पूछे तो आप ये वाली मार्क करिएगा, और जब भी अलग से दिया हो लॉक वाली तो ये अलग है। ठीक है, जेम्स हैंसन और अलेक्जेंडर कैटलिंग ने बनाया था रेफ्रिजरेटर। टाइपरेटर क्रिस्टोफर एल शोल्स ने बनाया था। ग्रामोफोन किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिशन ने। इलेक्ट्रिक लैम्प थॉमस अल्वा एडिशन ने। फाउंटेन पेन एल लेविस एल वाटरमैन ने। बॉल पॉइंट पेन जॉन जे लाउड ने। दोनों पेन में अंतर समझते हुए मार्क करिएगा। ठीक है, और बॉल पॉइंट पेन किसने बनाया जो आज हम यूज़ करते हैं? लेडिस्लो जोस बीरो ने। एयर कंडीशनिंग किसने डेवलप किया था? विलिस हैवीलैंड कैरियर ने। तो कैरियर के तो एसी भी आते हैं, याद करना आसान है। किचन ब्लेंडर किसने बनाया था? स्टीफन पॉपलॉस्की ने। टीवी मैकेनिकल किसने बनाया था? जॉन लॉगी बेर्ड ने। टीवी इलेक्ट्रॉनिक किसने बनाया था? पीटी फार्न्सवर्थ ने। थर्मस फ्लास्क किसने बनाया था? सर जेम्स डीवर ने। इलेक्ट्रिक आयरन किसने बनाया था? हेनरी सीले ने। माइक्रोवेव ओवन किसने बनाया था? पर्सी स्पेंसर ने। और डिशवाशर किसने बनाया था? जोसफीन कॉकरेन ने। फ्लाइंग शटल जॉन के ने। पावर लूम ई कार्टराइट ने। स्पिनिंग फ्रेम सर आर्चर्ड ऑर्कराइट ने। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स ने। स्पिनिंग म्यूल और ये सैमुअल क्रॉम्पटन ने। एरोप्लेन ऑलिव और विल्बर राइट ब्रदर्स ने बनाया था। हेनरी जिफार्ड ने बनाया था एयरशिप, एयरशिप रिजिड वाली बनाया था इन्होंने। हॉट एयर बलून किसने बनाया था? जैक्स और जोसफ मॉन्ट गोल्फियर। ग्लाइडर किसने बनाया था? सर जॉर्ज केले ने। हेलीकॉप्टर किसने बनाया था? इन्होंने हॉवरक्राफ्ट किसने बनाया था? क्रिस्टोफर कॉकरेल ने। जेट इंजन सर फ्रैंक विटल ने बनाया था, ये पूछा गया था एक बार। पैराशूट किसने बनाया था? एजे गार्नरिन ने। रॉकेट किसने बनाया था? रॉबर्ट गोडार्ड ने। बाइसिकल किसने बनाया था? कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने। जॉन बॉयड डनलप ने बनाया था बाइसिकल टायर। पेट्रोल किसने, मतलब
पेट्रोल कार किसने बनाई थी, कार्ल बेंज ने, कार्बोरेटर किसने बनाया था, गॉटलिब डैमलर ने, ठीक है, डीजल इंजन किसने बनाया था, रुडोल्फ डीजल ने, शिप किसने बनाई थी, जेसी पेरियर ने, शिप टर्बाइन वाले किसने बनाई थी, सर सी पार्सन्स ने, ठीक है, और सबमरीन किसने बनाई थी, डेविड बुशनेल ने, मोटरसाइकिल किसने बनाई थी, जी डैमलर, जो ये जी डैमलर अलग हैं, ठीक है, ये कैनसाइट के जी डैमलर हैं, स्ट्रीट कार किसने बनाई थी, थॉमस डेवनपोर्ट ने, एटम बम जे रॉबर ओपेनहाइमर, एटॉमिक राइफल जॉन ब्राउनिंग, बैलिस्टिक मिसाइल वर्नर वॉन ब्राउन ने, बोल्ट एक्शन राइफल किसने, पी वॉन माउजर ने, गाइडेड मिसाइल किसने, वॉन ब्राउन ने ही, जिन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने, एडवर्ड टेलर ने, न्यूट्रॉन बॉम्ब किसने, न्यूट्रॉन बॉम्ब सैमुअल कोहेन ने, टैंक किसने बनाया, सर अर्नेस्ट टी स्विंगटन ने, मशीन गन जेम्स पकल ने, रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट ने, रिवॉल्वर एक बार पूछा गया है, ठीक है, AK-47 मिखाइल कलेशनियोव ने बनाया था, ये रूस से हैं, ठीक है, डायनामाइट किसने, अल्फ्रेड नोबल ने, वर्ल्ड वाइड वेब का फाउंडर किसे कहा जाता है, टिम बर्नर्स ली को, विकिपीडिया का जिमी वेल्स को, और ऑर्कुट का इन्हें कहा जाता है, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग हैं, मगर मार्क जुकरबर्ग ही आप लोग मानेंगे, ठीक है, ट्विटर कौन है, ये जैक डॉर्सी, इवन विलियम्स, बिस्टोन और नोआ गाल्स, विकिलीक्स के जूलियन असांजे हैं, हॉटमेल कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लैरी पेज और सरजी ब्रिन, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा गूगल, कॉस्मिक्स वेंकी हरिनारायण और आनंद राजा रमन ने, पेपल किससे बनाया, केन होवरी, मैक्स लेविशिन, इलॉन मस्क ने, व्हाट्सएप ब्रायन एक्टन और जेन कॉम, फ्लिपकार्ट किसने, सचिन और बिनीश बंसल ने, यूट्यूब किसने, स्टीवन शेन, शैड हरले और जावेद करीब ने, याहू डेविड फिलो और जेरी यांग ने, पेटीएम विजय शंकर शर्मा फाउंडर है। मेडिसिनल डिस्कवरीज से अगर पूछे तो पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मलेरियल पैरासाइट रोनाल्ड रॉस, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विलियम हार्वे, क्लोरोफॉर्म सिम्पसन हैरिसन, HIV वायरस ये इन्होंने रॉबर्ट गेलो ने और मोंटैग्निया ने, विलियम रॉन्जन ने बनाया था एक्सरेस, मतलब खोजी थी, UPPCS 2018 वालों ने भी पूछा था, आप अगर देखें तो, मतलब बड़े से बड़े एग्जाम में भी आ सकता है, UPPCS प्री 2018 में आया था। DNA जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, इंसुलिन फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स एच बेस्ट ने। तो स्मॉल पॉक्स इसने डिस्कवर किया, एडवर्ड जेनर ने, लुइस पैश्चर ने, रेबीस, इन्फ्लुएंजा थॉमस फ्रांसिस JR ने, मीजल्स मम्प्स चिकन पॉक्स मेनजाइटिस हेपेटाइटिस ए बी न्यूमोनिया ये सब डिस्कवर किया मॉरिस हिलबैन ने, रोटा वायरस पॉल ऑफिट ने, रुबेला स्टैनली प्लॉटकिन ने, पोलियो जोनास स्टॉक ने, विटामिन ने एमर और मॉगरेट डेविस ने डिस्कवर किया, वैसे इनके डिस्कवरर विटामिन के जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। सेंचुरीज और एनिमल्स की लिस्टिंग हम लोग देख लेते हैं एक बार, जैसे कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये सब चीज़ें, काजीरंगा नेशनल पार्क जोरहाट असम में है, मानस टाइगर सेंचुरी कहाँ पर है ये भी असम में है, केवलादेव नेशनल पार्क यहाँ पर राजस्थान में, सुंदरबन टाइगर सेंचुरी ये वेस्ट बंगाल पे है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है मांडला में, ये आप ये शहर के नाम मत याद रखिए, ठीक है, स्टेट ही पूछे जाते हैं, दुधवा कहाँ पर है यह है उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, राजा जी उत्तराखंड में, दचीगम कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, इसका तो मैप भी आता है, वायरल होता रहता है अभी वगैरह पर, आप सभी ने उसको डाउनलोड करा होगा, आप लोग पढ़ते कभी नहीं उसको, रणथंभौर टाइगर सेंचुरी कहाँ पर है ये राजस्थान में, घाट प्रभा कहाँ पर है कर्नाटक में है, बांदीपुर कहाँ पर है कर्नाटक में, बांदीपुर SSC में पूछा गया था अभी दो दिन पहले एग्जाम में, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर जूनागढ़ में, नाल सरोवर कहाँ पर है बर्ड सेंचुरी ये गुजरात में है अहमदाबाद में, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क, नेलपट्टू बर्ड सेंचुरी ये नेल्लौर में है, मधुमलाई सेंचुरी ये नीलगिरी में है, पेरियार सेंचुरी इडुक्की में, सिंपली पाल टाइगर सेंचुरी ये मयूरभंज में है ओडिशा में, गाहिर माथा टर्टल सेंचुरी कहाँ पर है केंद्रपाड़ा नाम की जगह पर ओडिशा में, ठीक है, और ये ऑलिव रिडले टर्टल्स की नेस्टिंग साइट मानी जाती है, साइलेंट वैली पार्क कहाँ पर है केरल में, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है अंडमान निकोबार में, कैंपबेल नेशनल पार्क अंडमान में, गलाथिया नेशनल पार्क अंडमान में, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अब ये कौन से में कौन सा जानवर पाया जाता है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए, जैसे वाइल्ड एस कहाँ पर मिलेगा, जंगली गधे आपको
गुजरात में, ठीक है। वन हॉर्न राइनो आपको काजीरंगा में मिलेगा, एलिफेंट आपको कहाँ पर मिलेगा, पेरियार नेशनल पार्क में, लॉयन गिर नेशनल पार्क में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मध्य प्रदेश में घाटीगांव सेंचुरी में, रॉयल बंगाल टाइगर आपको सुंदरबन नेशनल पार्क में बंगाल में मिलेगा आपको, और डॉल्फिन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, भागलपुर बिहार में, वल्चर आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, रामदेव व्रत वल्चर सेंचुरी कर्नाटक में, बियर आपको हम्पी में, संगाई आपको केवल लमजाओ नेशनल पार्क में जो कि मणिपुर में है, घड़ियाल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे यूपी राजस्थान में नेशनल चंबल सेंचुरी में, ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वायरल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर, क्लाउडेड लिपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे त्रिपुरा में क्लाउडेड लिपोर्ट नेशनल पार्क में, हुलॉक गिबन कहाँ पर देखने को मिलेंगे असम में, ठीक है, गिबन सेंचुरी में, हंगुल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे डचीगम में। अब देखिए लास्ट है, इससे यू पी पी सी एस प्री में क्वेश्चन आया था, तो ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग सब बेकार है और आता नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन आ भी जाता है कभी कभी, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट दे यहाँ पर गिवेन है, गल्फ ऑफ पन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये है इंडियन पोर्ट ऑफ गल्फ ऑफ पन्नार में, यहाँ पर तमिलनाडु श्रीलंका के कोस्ट पर। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये है गैंगेस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में बना हुआ है, नंदा देवी कहाँ पर है, चमोली पिथौरागढ़ और अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी किस स्टेट में है ये जरूर देखते हुए तो चलिएगा, ठीक है। नीलगिरी कहाँ पर है, केरल में। पंचमढ़ी कहाँ पर है, यह है मध्य प्रदेश और एरिड गुजरात के राजपुताना डिस्ट्रिक्ट में। सिम्पलीवाल कहाँ पर है, ओडिशा में है। नोकरेक कहाँ पर है बायोस्फीयर रिजर्व, ये मेघालय में है। और अमरकंटक ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। निकोबार आइलैंड नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये इंडियन ओशन के अंदर है। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये केरल तमिलनाडु के बीच है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये सिक्किम में है। मुगल रूल के दौरान कुछ मॉन्यूमेंट्स बने थे, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। कब बना था, कहाँ पर है, किसने बनवाया। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। बनाया किसने, अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, किसने बनवाया, अकबर ने। शालीमार बाग श्रीनगर में है, किसने बनाया, जहांगीर ने। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में। ये शुरू अकबर ने करवाया था, फिनिश करवाया जहांगीर ने। और टॉम्ब ऑफ इतमद दौला ये कहाँ पर है, आगरा में। या उत्मत दौला का मकबरा किसने बनाया, नूर जहाँ ने। जहांगीर का मकबरा शाहजहाँ ने बनवाया था, ये लाहौर में है। ताजमहल किसने बनवाया, आगरा में शाहजहाँ ने। रेड फोर्ट शाहजहाँ, शालीमार गार्डन शाहजहाँ, जामा मस्जिद शाहजहाँ। बीवी का मकबरा आज़म खान, ये पूछा गया एक बार। और सलीम चिश्ती की दरगाह अकबर ने बनवाई थी। तुजू की बाबरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेट पीसेस वाली चीज़ आ गई, बुक्स बहुत पूछते हैं। तुजू की बाबरी किसने लिखी है, बाबर ने, ठीक है। ये चगताई भाषा में लिखी गई है, बाद में इसको फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखी है, उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने फारसी में। अकबर नामा और ऐनी अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने। तुजू की जहांगीरी जहांगीर ने पर्शियन में। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखी है। बादशाह नामा किसने लिखी है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने, ठीक है। और आलमगीर नामा किसने लिखी है, औरंगजेब के बारे में, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने फारसी में। कुछ इंपॉर्टेंट ओल्ड बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं हम। सबसे पहला बुक आप याद रखेंगे, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कैसे नंदों को हरा देते हैं अपने गुरु कौटिल्य या चाणक्य की मदद से, सब उसमें बताया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्टोरी आपको सभी को पता है इसके बारे में। मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखी है, इसमें अग्निमित्र की कहानी है, ठीक है, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, नहीं कि चाणक्य ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। और गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, इसमें किंग दुष्यंत और शकुंतला के बारे में है, महाभारत की बिगनिंग से पहले। और कल्लण की राज तरंगिनी अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। प्रश्नोत्तर रत्न मलिका ये किसने लिखी है, आदि शंकराचार्य ने। और आगे हम देखें तो कथा सरित सागर ये सोमदेव ने लिखी है। चरक संहिता चरक ने लिखी है, जिसको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोलते हैं हम लोग।
सुश्रुत शमिता सुश्रुत ने लिखी है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी इनको बोलते हैं। आर्य भाटिया लिखी है, आर्य भट्ट ने। भृगु संहिता लिखी है, महर्षि भृगु ने। और बुद्ध चरितम लिखा है अश्व घोष ने। सारी की सारी कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में बात कर लें तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया। ठीक है, सेकंड बैटल में 1192 में होता है, मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को हराया। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। खांडवा का युद्ध में क्या हुआ था कि बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, घाघरा के युद्ध में क्या हुआ था, बाबर ने महमूद लोधी को हराया था और सुल्तान नुसरत शाह ने यहाँ पर मुगल रूल स्थापित किया था। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, मुगल रूल को तोड़ा था। बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 1540 में, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था दूसरी बार। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, अकबर ने हेमू को हराया था। तीसरे पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं की ज्वाइंट फोर्सेस को हराया था। ठीक है, तालिकोटा के युद्ध में डक्कन सल्तनत ने हराया था विजयनगर एम्पायर को। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राजा मान सिंह जो कि मुगल आर्मी से थे, उन्होंने राणा प्रताप जो मेवाड़ के थे, महाराणा प्रताप जिनको हम कहते हैं, उनको हराया था। मान सिंह मुगल आर्मी की तरफ से थे। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने मीर जफर की हेल्प ले करके वांडीवाश का युद्ध, आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ये थर्ड कर्नाटिक वार का पार्ट था, जो तीन कर्नाटिक वार हुई थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात कर लें तो कंबाइंड फोर्सेस मीर कासिम की, शुजाउद्दौला, नवाब अवध जो थे, शाह आलम सेकेंड मुगल एम्परर। ठीक है, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह ने मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को हराया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल आप देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड मुगल एम्परर तीनों की आर्म्ड फोर्सेस को हराया था। ठीक है, फॉरेन विजिटर्स जो आए थे उनके बारे में देख लेते हैं। उनमें ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में आए थे, सबसे पहली चीज़ जैसे मेगस्थनीस किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। ग्रीक लोग उसको सेंट्रोकोटस बोलते थे और मेगस्थनीस की बुक लिखी गई इंडिया, उसी के नाम पर आधारित है हमारे देश का नाम। फाहियान ने विजिट किया था चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है, ह्वेन सांग कब आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में, और उसने अपने जो भी चीज़ें यहाँ पर देखी उनको कंपाइल किया रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से, जिसको सी यू की बोलते हैं। अलबरूनी आया था यहाँ पर, तहकीक हिंद उसने लिखी थी मोहम्मद गजनी गजनी के साथ आया था। ठीक है, मार्को पोलो यहाँ पर यूरोपियन ट्रैवलर आया था इंडिया में। ठीक है, उसने वो साधर्न इंडिया में आया था जब रुद्रमा देवी जो है काकतिया वंश की पावर में थी। इब्ने बतूता ये मोरक्को का ट्रैवलर था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और उसने अपने ट्रैवलर अकाउंट को लिखा है रहला के नाम से, रहला। थॉमस रो की बात कर ले तो इंग्लिश डिप्लोमेट है, इसने जहांगीर के कोर्ट को विजिट किया था 1615 में और इंग्लिश फैक्ट्री सूरत में सेटअप करने के लिए प्रोटेक्शन मांगा था। ठीक है, जर्नल ऑफ द मिशन टू द मोगुल एम्पायर, इसमें उन्होंने इस विजिट के बारे में लिखा है। विलियम हॉकिंस के बारे में बात कर लें तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से थे और जहाज से भारत आने वाले पहले यहाँ पर बने थे। ठीक है, इंग्लिश पर्सन। ठीक है, विलियम हॉकिंस को यहाँ पर जहांगीर की परमिशन नहीं मिली थी। निकोलो कॉन्टी के बारे में बात कर लें हम, ये इटालियन ट्रैवलर था। ठीक है, देव राय फर्स्ट के शासनकाल में आया था 1420 में करीब। अब्दुल रजाक ये पर्शियन स्कॉलर था। ठीक है, स्पेलिंग सही करेंगे, पर्शियन स्कॉलर था और एम्बेसडर था, रूलर ऑफ पर्शिया का। इसने कालीकट को विजिट किया था देव राय सेकेंड के शासनकाल में। सेंट थॉमस के बारे में बात कर लें तो ये पहले क्रिश्चियन सेंट माने जाते हैं जिन्होंने काफ़ी पहले 52 AD में इंडिया को विजिट किया। फ्रेंकोइस बर्नियर ये फ्रेंच फिजिशियन और ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए और मुगल एम्परर औरंगजेब के शासनकाल में, और औरंगजेब के पर्सनल फिजिशियन भी रहे 12 साल तक। ठीक है, अब किसके कोर्ट में कौन सा पोएट था ये भी पूछा जाता है, तो कालिदास किसके कोर्ट में थे, विक्रमादित्य। ये उनके वर्क लिखे हुए हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे, हर्षवर्धन। चंद्रबरदाई
ये पृथ्वीराज के पोएट थे, भवभूतीय यशोवर्मन जो कन्नौज का राजा था उसके पोएट थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के थे, लेकिन बाकी सात रूलर्स से भी एसोसिएटेड माने जाते हैं। श्री पोना के बारे में बात कर ले हम तो राष्ट्रकूट किंग कृष्ण थर्ड के ये पोएट थे, परमानंद शिवाजी के पोएट थे, पंडित गंगाधर मिश्रा संबलपुर के राजा बलियार सिंह के पोएट थे, और हेमा सरस्वती ये कामतापुर के राजा दुर्लभ नारायण के पोएट थे, राजशेखर ये गुर्जर के प्रतिहार वंश के राजाओं के पोएट थे, वेद नायगम शास्त्रियार ये किंग सिफोजी सेकेंड जो कि तंजोर का था उसका पोएट था, राघवंक ये होयसाल राजा का पोएट था, आदि कवि पंप ये चालुक्य राजा अरिकेसरी सेकेंड के पोएट थे, तिरुमलराय ये किंग वोदेयार के पोएट थे, अल्लसानी पेडना ये श्री कृष्ण देव राय के पोएट थे, नंदी थिम्मान ये श्री कृष्ण देव राय के पोएट थे, आग हसन अमानत ये वाजिद अली शाह के पोएट थे, राम प्रसाद सेन ये पोएट थे कृष्ण चंद्र राजा के जो कि नादिया के थे, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के पोएट थे, और जयम कोंड का ये कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट के पोएट थे। ठीक है, अब अलग अलग डायनेस्टीज थी, इन लोगों ने अपनी कैपिटल कहाँ कहाँ पर बनाई है ये पूछा जाता है। तो चोलों की कैपिटल कहाँ पर थी? तंजावुर जिसको अब तंजोर बोलते हैं, और गंगाईकोंड चोलापुरम में। मौर्यों की कैपिटल पाटलिपुत्र में थी, पल्लवों की कांची में थी, पांड्यों की मदुरई में, चालुक्यों की वातापी या बादामी में। ठीक है, और लेटर चालुक्यों ने अपनी कैपिटल कहाँ पर बनाई थी? कल्याणी ने। काकतिया वंश के शासकों की कैपिटल वारंगल में थी, सतवाहनों की प्रतिस्थान में थी जो मॉडर्न पैथान नाम की जगह है महाराष्ट्र में, बहमनी वंश के शासकों की गुलबर्ग में थी और मोहम्मदाबाद में थी, वर्मन वंश के शासकों की थी यहाँ पर गुवाहाटी में। ठीक है, जिसको पहले प्रग ज्योतिषपुरा उन लोगों ने कहा था। शुंग वंश के शासकों ने पाटलिपुत्र और विदिशा को कैपिटल बनाया, राष्ट्रकूटों ने मान्यखेत को कैपिटल बनाया, सोलंकी वंश के शासकों ने अनिलवाड़ा को कैपिटल बनाया, शिवाजी ने रायगढ़ को कैपिटल बनाया, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को, रणजीत सिंह ने लाहौर को, और हर्षवर्धन ने थानेसर और बाद में कन्नौज को। नंद वंश के शासकों ने ये फाउंडर हम देखेंगे लास्ट और लास्ट किंग को देखेंगे डायनेस्टी की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नंद वंश का फाउंडर कौन था? महापद्म या उग्रसेन। ठीक है, और आखिरी रूरल आखिरी शासक कौन था? धनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और आखिरी शासक था बृहद्रथ। गुप्त वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त, और आखिरी शासक था स्कंदगुप्त। शुंग वंश का प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग, और आखिरी था देवभूति देवभूति। ठीक है, सत्वाहन वंश का शासक था सिमुक आपका, और यज्ञ सत्कर्णी ये आखिरी रूलर था। चालुक्य वंश का पहला शासक था पुलकेशिन फर्स्ट, और आखिरी शासक था कीर्तिवर्मन चालुक्य। चोल वंश का शासक था विजयालय, और आखिरी था अतिराजेंद्र। राष्ट्रकूट वंश का शासक था दंतिदुर्ग, और आखिरी था इंद्र फोर्थ। सोलंकी वंश का शासक था मूलराज फर्स्ट, और बाद में शासक का नहीं पता है। तो स्लेव वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और आखिरी था मुजुद्दीन कैकुबाद। और खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन खिलजी, और आखिरी था खुसरो खान। तुगलक वंश का शासक घियासुद्दीन तुगलक था, और आखिरी था फिरोज शाह तुगलक। लोधी वंश का शासक था बहलोल लोधी, और आखिरी था इब्राहिम लोधी। मोघुल वंश का शासक था, सॉरी ये बार बार मोघुल लिखा है, ये मुगल वंश का शासक था बाबर, और आखिरी था बहादुर शाह द्वितीय। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से टेंपल्स किस डायनेस्टी के किस वंश के शासकों ने बनवाए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं बुंदेल और चंदेलों ने। ठीक है, कैलाश मंदिर बनवाए राष्ट्रकूटों ने, पिलड मंदिर बनवाए काकतीय वंश के शासकों ने, रंपा टेम्पल बनवाया है काकतीय वंश के शासकों ने, बृहदेश्वर मंदिर चोलों ने बनवाया है, कैलाशनाथ टेम्पल पल्लवों ने बनवाया है। ठीक है, शोर टेम्पल किसने बनवाया है? पल्लवों ने। दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया है? सोलंकियों ने। हजार टेम्पल किसने बनवाया है? विजयनगर में।
विरूपक्ष का टेम्पल किसने बनवाया है? चालुक्यों ने। और सन टेम्पल किसने बनवाया है? सोलंकियों ने। ध्यान रहे इस समय सन टेम्पल की बात हम लोग गुजरात वाले की कर रहे हैं, ठीक है, कोणार्क वाले की नहीं कर रहे हैं। कोणार्क वाला नहीं बनवाया है ये सोलंकियों ने। विमेन रूलर्स की अगर हम बात कर लें तो रानी रुद्रमा की बात करेंगे। रानी रुद्रमा जो है काकतिया वंश की थी, ये दक्कन प्लेट्यू में इनका शासनकाल था। ये गणपति देवा की पुत्री थी, ठीक है, और एक स्पेशल रिचुअल के थ्रू इन्होंने अपनी पुत्री को अपना बेटा मान लिया और पुत्रिका सरमनी के तहत इनको रुद्रदेव कहा गया, ठीक है। इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया जब ये केवल 14 वर्ष की थी। इनकी शादी हुई थी वीरभद्र से, जो कि ईस्टर्न चालुक्य प्रिंस था, ठीक है, उसका नाम था निदाद वोलू। इन्होंने वारंगल फोर्ट के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ाया, उसको पूरा किया जो उनके फादर ने बनवाना शुरू किया था। मार्को पोलो ने इनको विजिट किया था, ठीक है। रानी दुर्गावती की बात कर ले तो इन्होंने गोंडवाना में राज किया था 1548 से 1564 तक अपने बेटे वीर नारायण की डेथ के बाद, ठीक है। अकबर ने 1564 में गोंडवाना में अटैक किया था जिसका उन्होंने रेजिस्टेंस किया था। फाइनली उनकी हत्या कर दी जाती है और हरा दी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि अकबर के खिलाफ किस क्वीन ने युद्ध किया था, तो वो है दुर्गावती, रानी दुर्गावती। चांद बीबी की बात कर लें तो इनको चांद खातून या चांद सुल्ताना बोलते थे। हुसैन निज़ाम शाह प्रथम की पुत्री थी, ठीक है, अहमदनगर में। इनकी शादी सुल्तान आदिल शाह से हुई थी, ठीक है, जिसकी हत्या कर दी गई थी उन्हीं के आदमियों के द्वारा। अहमदनगर पर भी मुगलों ने अटैक किया था और उन्होंने सक्सेसफुली उसको डिफेंड किया था। 1599 में एक बार फिर से अकबर की फोर्सेस ने अहमदनगर पर अटैक किया और उसको सीज कर लिया, लेकिन बाद में उन्होंने निगोशिएट करना चाहा मुगल के टर्म्स पर। चांद बीबी को उनके ही ट्रूप्स ने मार डाला था, ठीक है, गलत समझ करके, गलत फहमी में। देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात कर लें तो मानुकजी शिंदे की पुत्री थी ये। इन्होंने अहमदनगर में 1766 से लेकर के 1795 तक राज किया था। 1773 में इन्होंने खांडे राव से विवाह किया था जो बैटल ऑफ कुंभेर में मारे गए थे 1754 में। इनके फादर इन लॉ मल्हार राव होलकर थे। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। किट्टू रानी चिनम्मा के बारे में बात कर लें तो इनकी शादी हुई थी राजा मूल सर्ज, जो कि कित्तूर के थे, प्रिंसली स्टेट था ये बेलगाम कर्नाटक में, ठीक है। इनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी, अपने बेटे को छोड़ करके चले गए थे 1854 में। रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को अडॉप्ट किया, ठीक है, और उसको गद्दी पर बैठाया, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं आया। बैटल हुआ फिर और उन्होंने काफ़ी हद तक डिफेंड करने का प्रयास किया उसको, और फाइनली उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली 1829 में। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात कर लें तो आप जानते हैं वाराणसी में जन्म हुआ, मनु नाम था, फिल्में बन चुकी हैं इस पर, और काफ़ी कुछ आप जानते हैं इसके बारे में। रानी अवंतीबाई के बारे में बात कर लें तो विक्रमादित्य सिंह से इनकी शादी हुई थी। रामगढ़ स्टेट के विक्रमादित्य सिंह ने विक्रमादित्य सिंह की डेथ हुई थी तो उन्होंने अपना कोई भी वारिस नहीं छोड़ा था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इनके राज्य को हड़प कर लिया था। अवंतीबाई ने कसम खाई थी कि वो राज्य अपना वापस ले करके रहेंगी। उन्होंने 4000 लोगों की आर्मी रेस की और 1857 में युद्ध करा, लेकिन फाइनली उनकी डेथ हो जाती है और ब्रिटिशर्स से वो नहीं छुड़ा सकी अपना राज्य। माउंटेन्स और हिल्स इन इंडिया, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे खाली इसमें हम लोग। हाईएस्ट माउंटेन जो इंडिया में है वो कंचनजंगा है। हाईएस्ट माउंटेन जो इंडिया में है पीओके को अगर हम शामिल कर लें तो वो माउंट केटू हो जाएगा, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया वो कौन सी है? अरावली है। हाईएस्ट पीक जो वेस्टर्न घाट्स में और साउथ एशिया में वो अनाईमुड़ी है केरल में। हाईएस्ट पीक जो अरावली की है वो गुरु शिखर है माउंट अबू के पास राजस्थान में है, ठीक है। रायसीना हिल्स जो न्यू दिल्ली में जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो किस हिल्स का एक्सटेंशन माना जाता है? वो माना जाता है अरावली हिल्स का एक्सटेंशन। जो हिल रेंज है जो जोग्राफिकली डिवाइड करती है नॉर्दर्न इंडिया को और डेक्कन प्लेट्यू से, वो है विंध्य श्रृंखला। वेस्टर्न घाट्स को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। वैष्णो देवी टेम्पल जहाँ पर लोकेटेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको त्रिकूट पर्वत बोलते हैं। माउंट कैलाश जो कि लॉर्ड शिवा का क्या कह सकते हैं अबोर्ड माना जाता है, वो कहाँ पर है? तिब्बत में है।
ईस्टर्न घाट्स कहाँ कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। अरावली आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में देखने को मिलेंगी। कार्डमम हिल्स आपको केरल तमिलनाडु में, अन्नामलाई हिल्स केरल तमिलनाडु में, नीलगिरी केरल तमिलनाडु कर्नाटक में, पलानी हिल्स तमिलनाडु में, सतपुड़ा रेंज गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। विंध्य आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। गारो हिल्स आपको मेघालय में, खासी हिल्स मेघालय में, जयंतिया हिल्स मेघालय में, पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, कारकोरम लद्दाख रीजन जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग कहाँ पर जम्मू कश्मीर में, डलहौजी हिल स्टेशन ये कहाँ पर, धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग लेसर हिमालय से महाभारत रेंज में वेस्ट बंगाल में। गुलमर्ग आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जे एंड के में। कसौली कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, जहाँ रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था। और कोडाई कनाली कहाँ पर देखने को मिलेगा? पलानी हिल्स में, तमिलनाडु में। लोनावला कहाँ पर देखने को मिलेगा? सह्याद्री में, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर सह्याद्री महाराष्ट्र में। सह्याद्री का क्या मतलब? वेस्टर्न घाट्स। और आपका मनाली कहाँ पर देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में, माउंट आबू राजस्थान में, नैनीताल उत्तराखंड में, कुमाऊं हिल्स का पार्ट, पंचमढ़ी सतपुड़ा हिल्स का पार्ट मध्य प्रदेश में, ऊटी नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, कुकनूर नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, और सतपुड़ा सह्याद्री हिल्स गुजरात।
इम्पॉर्टेंट वाले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, आपके एब्रीविएशन जो बचे हुए, जैसे गांधी का मतलब है ग्रीन एक्शन फॉर नेशनल दांडी हेरिटेज इनिशिएटिव, रेड का मतलब है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, और कपार्ट का मतलब है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, और पीका का मतलब है पंचायत, युवा, क्रीड़ा और खेल अभियान। CTS का यहाँ पर मतलब है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECS का मतलब EMI का मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। CAR का मतलब है कैपिटल एडिकेसी रेशियो। CBS का मतलब है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। IMPS का मतलब है इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। और KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NEFT का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो आपको नहीं पता होते हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होता है TIN, और TAN का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन। अकाउंट नंबर STT का मतलब है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और RTP का मतलब है रिवर्स ट्रांसी पोजीशन। परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब PAN होता है। OLTAS का मतलब है ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। और NYSE का मतलब है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और BSE का क्या मतलब होता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कुछ यहाँ पर एब्रिविएशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, RSS सिंगल रियली सिंगल सिंडिकेट, CGI का मतलब है कॉमन गेटवे इंटरफेस, URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का मतलब है, UEFI का मतलब है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, CDMA का मतलब है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TCP का मतलब है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल मतलब होता है आपके सिम का, सिम कार्ड जैसे हम लोग बोलते हैं, PDF का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, IMEI का मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो ये सब कुछ ध्यान रख सकते हैं। CDMA का मतलब है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं बस वही मैंने कराए हैं, बाकी तो आपको पता होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी से संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं, लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी फीमर जिसको थाई बोन बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टैपीज इन द मिडल ईयर, लॉन्गेस्ट मसल होती है जॉ मसल, हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है बॉडी में वो टूथ इनेमल होता है जिसको क्राउन बोलते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट बोन देख चुके, लार्जेस्ट मसल ग्लूटिस मैक्सिमस यानी बटक मसल हमारी, और लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन स्किन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लिवर है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑल्टा है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरी है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मिलेगा आपको, ठीक है ऑक्सीजन, मोस्ट कॉमन जो कंपाउंड मिलेगा वाटर मिलेगा, पिगमेंट कौन सा हमारी स्किन को जो डार्क या गोरा या काला दिखाता है वो मेलानिन है, नेल्स मॉडिफिकेशन होते हैं एपिडर्मिस के, ठीक है मसल्स बोन से अटैच होती हैं टेंडन से, बोन्स बोन से अटैच होती हैं लिगामेंट से, ठीक है हमारी शरीर में 4.7 to 5 liters ब्लड होता है, लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में फीमर, और हमारी टोटल बोन्स कितने होती हैं 206, मोस्ट ये एसेप्टर बोलते हैं, यूनिवर्सल एसेप्टर होता है टाइप ओ प्लस, ठीक है यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है AB, स्टडी ऑफ बोन को बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हीमेटोलॉजी, ठीक है हीमोग्लोबिन हमारा पार्ट होता है प्रोटीन का, ये प्रोटीन है बेसिकली, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ऑक्सीजन अदर सेल्स तक ट्रांसफर करता है और ये करने का काम करता है, ब्लड हमारी प्योरीफाई कहाँ पर होते हैं लंग्स में, ठीक है गैसेस इम्प्योरिटीज जो ब्लड में भर जाती हैं CO2 वो निकाल दी जाती हैं, ठीक है तो सभी को पता होगा ये सब बेसिक चीज़ें, जो हमारे शरीर में आर्टरीज में या कैपिलरीज में ब्लड को जमने नहीं देता है वो होता है एंटी कोएगुलेंट जिसको बोलते हैं हेपेरिन, ठीक है और विलियम हार्वे जो है ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ब्लड कैसे फ्लो करता है ओवरऑल हमारी बॉडी में, कार्ल लैंडस्टीनर जो थे इन्होंने खोज की थी किसकी ब्लड ग्रुप्स की और इनको क्लासीफाई भी किया था, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर ने और AS वीनर ने डेवलप किया था, या फिर कह सकते हैं इसको फाइंड किया था पोस्टुलेट किया था इसको, RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव होता है कोई भी हमारा ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन टाइप होता है ओ प्लस या ओ पॉजिटिव, ठीक है नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर 120-80 की रेंज में रहता है, इससे कम या ज़्यादा होता है तो हमारा नहीं सही होता है ब्लड प्रेशर, स्पाइक मोमेनोमीटर जो होता है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा।
अब अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं सर्कुलेशन सिस्टम के, उनके क्या क्या रोल हैं, जैसे आर्टरीज़ क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हाई प्रेशर से हार्ट से ले जा करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, वीन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं ऑर्गन्स और टिश्यू से कलेक्ट करती हैं और हार्ट तक ले जाती हैं, कैपिलरी क्या करती है, आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पर कौन सी ब्लड वीजल कौन सा यहाँ पर काम करती है, जैसे ऑर्टा है, लार्जेस्ट और प्रिंसिपल आर्टरी मानी जाती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में अपनी ब्रांचेस के थ्रू। कोरोनरी आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है ऑर्टा की, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के टिश्यूज़ को प्रोवाइड करती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये ब्लड को हार्ट से मतलब लंग से हार्ट, सॉरी हार्ट से लंग की तरफ भेजती है प्योरिफिकेशन के लिए। कैरोटिड आर्टरी क्या करती है कि ये ऑक्सीडेटेड ब्लड को हेड और नेक तक सप्लाई करती है। सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो हेड में होता है और आर्म्स में होता है, जो थोरैक्स रीजन में होता है, उसको हार्ट तक लेके जाती है, कौन, सुपीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा क्या करती है कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है एब्डोमेन और लेग रीजन में, उसको हार्ट तक पहुंचाती है। कोरोनरी वीन क्या करती है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है हार्ट मसल्स का, उसको हार्ट तक पहुंचाती है। और पल्मोनरी वीन क्या करती है कि दो होती हैं ये, एक एक निकलती हैं एक एक लंग से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है ये लंग से हार्ट तक पहुंचाती है। जगलर वीन क्या करती है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है इसको हेड से सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू हार्ट तक पहुंचाती है। अब ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन लिए होते हैं और ऑक्सीजन पहुंचाने का हीमोग्लोबिन काम करता है। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिंग से संबंधित हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेजन से, फॉरेन पार्टिकल्स से, फॉरेन वायरसेस बैक्टीरिया एक्सेट्रा से, फॉरेन सब्सटेंसेस से कह सकते हैं। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, ये कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, हमारा खून कहीं भी अगर इंजरी से बह जाए तो वहीं पर थक्के रूप में जम जाए और पूरा खून ऐसे बॉडी से ना बाहर चला जाए। प्लाज्मा हमारा लिक्विड कंपोनेंट होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होता है, एंटीबॉडीज़ होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हार्मोन्स वगैरह ये सब लिए रहता है। अब अलग अलग यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स के जो हैं प्रकार होते हैं, बेसोफिल्स, इजनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब कौन क्या काम करता है, बेसोफिल्स क्या करते हैं कि ये नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, पैरासाइटिक जो इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस, उनसे निपटने का काम करते हैं। इजनोफिल्स क्या होते हैं, एलर्जी से निपटने का काम करते हैं, जो कि पैरासाइट या बैक्टीरिया के थ्रू होती है। लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, और ये इम्यून सेल्स जो दूसरे होते हैं उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और डायरेक्टली अटैक करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूमर्स को। और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, देखिए लिम्फोसाइट जो होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, बता देते हैं आपको, एक टी लिम्फोसाइट एक बी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट क्या करता है कि अदर जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, और बी क्या करता है, डायरेक्टली जो है एंटीबॉडीज बना लेता है, डायरेक्टली एंटीबॉडीज बनाता है। मोनोसाइट क्या करता है, ये वाइट ब्लड सेल्स जो है ये बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या करता है कि ये कॉमन टाइप है और बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, मोर और लेस सारे से ये ज़्यादातर एक ही तरह के आपके हैं फंक्शन सभी के। अगर बहुत डीप में बायोलॉजी आपने पढ़ी है 12th में या फिर आगे ग्रेजुएशन में, तो इनका अलग अलग रोल बताया जाता है। ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जो बीमारियां, वो क्या हैं, जैसे सबसे पहले तो अनीमिया है, अनीमिया के भी कई प्रकार हैं। आयरन डिफिशियंसी, जब आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड लॉस के थ्रू या फिर पुअर न्यूट्रिशन के थ्रू हीमोग्लोबिन का आयरन कंटेंट कम हो जाता है, तब ये होता है। विटामिन डिफिशियंसी अनीमिया, जब यहाँ पर लो लेवल पाए जाते हैं विटामिन B12 के या फोलिक एसिड के पुअर न्यूट्रिशन के कारण, ठीक है, वुमेन्स में प्रेगनेंसी के कारण। अनीमिया के बारे में बात कर लें तो एप्लास्टिक अनीमिया के बारे एप्लास्टिक अनीमिया, ये अनीमिया का वो प्रकार है जिसमें हमारे शरीर में, हमारी बोन मैरो में बहुत ज़्यादा, मतलब जितने ज़रूरी हैं रेड ब्लड सेल्स उतने बनना बंद हो जाते हैं। ये वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू होता है, केमिकल एक्सपोजर के थ्रू हो सकता है, कुछ गलत दवाइयों के कारण हो सकता है, ठीक है।
हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, इसमें रेड ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल ब्रेकडाउन होने लगता है, रेड ब्लड सेल्स मरने लगते हैं जल्दी जल्दी। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये एक हेरिडिटरी ऑर्डर है, यानी कि अनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रिजिड और सिकल हो जाते हैं, ठीक है, हसिया के शेप के जैसे हो जाते हैं, और इतने पतले होने के कारण ऑक्सीजन रिटेन करके नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या है, ये हीमोफेलिया है, एक बार फिर से अनुवांशिक रोग है, इसमें जेनेटिक डिफेक्ट है जो है वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, ठीक है, यानी कि फादर से डॉटर्स में जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बॉडी से एक बार खून बहने लगा तो बंद नहीं होता है, ठीक है, बंद नहीं होता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है। वॉन वाइलब्रांड डिसीज क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे कोगुलेशन में जो एक फैक्टर होता है वॉन वाइलब्रांड फैक्टर, वो नहीं पाया जाता है पेशेंट में, ठीक है, अनुवांशिक रूप से ये मिसिंग होता है। ये एक प्रोटीन होता है बेसिकली वाइलब्रांड फैक्टर, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जब ये होगा ही नहीं तो क्लॉटिंग मुश्किल से होती है। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि रैपिड प्रोडक्शन होता है वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है, जो है इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकते हैं बल्कि बोन मैरो में इकट्ठे होते जाते हैं, ठीक है, जिससे कि बोन मैरो हमारी आगे रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाती है और इम्पॉर्टेंट अदर प्लेटलेट्स नहीं बना पाती है। ब्लड कैंसर से लिम्फोमा एक होता है, एक माइलोमा होता है, ठीक है। लिम्फोमा में क्या होता है कि जब लिम्फोसाइट्स जो है वाइट ब्लड सेल्स हमारे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने लगते हैं, मोर देन एक्सपेक्टेड, या फिर जितना होना चाहिए टाइम पीरियड उससे ज़्यादा जिंदा रहने लगते हैं। माइलोमा में क्या होता है कि प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिससे इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि एक बार फिर से अनुवांशिक रोग है, इसमें इसमें हीमोग्लोबिन बनना काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम बनता है तो नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की इफेक्ट होती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, पर्सन को पास से तो दिखता है लेकिन दूर से दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस लगा के, कॉनकेव लेंस यानी कि ये वाला लेंस लगा के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस होती है, इसमें क्या होता है कि दूर से तो दिखता है लेकिन पास की चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखती हैं, तो इसको ठीक करते हैं कॉनकेव लेंस से, ठीक है, इस तरह का कॉनकेव लेंस होता है इसको लगा देते हैं, इस तरह का नहीं होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। एम्ब्लायोपिया के बारे में बात कर लें, इसको बोलते हैं लेजी आई, इसका मतलब होता है कि एक आई से नहीं दिखता है, ठीक है, एक आंखों से नहीं दिखता है जब तक दोनों ना खुली हों, ठीक है। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि दिखाई देना इसलिए कम हो जाता है क्योंकि लाइट जो है आई फोकस नहीं कर पाती है रेटिना में, ठीक है, रेटिना में फोकस नहीं करती क्योंकि जो हमारा नेचुरल सेल होता है, नेचुरल लेंस होता है आँख का, वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है एज के कारण, तो यहाँ पर रेटिना में फोकस नहीं हो पाती लाइट। ग्लूकोमा में क्या होता है कि आई रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व है जो इन्फॉर्मेशन लेकर के जाती है रेटिना से ब्रेन तक, उसको इफेक्ट करती है, उसको डैमेज करती है। एक्रोमोटॉप्सिया क्या होता है, इसका मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस कंडीशन है, ये भी एक्स क्रोमोसोम के कारण से होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेन में ज़्यादा पाई जाती है, विमेन में काफ़ी कम, और ये सियारा कलर टेस्ट से इसको डिटेक्ट करते हैं कि क्या पर्सन कलर ब्लाइंड है या फिर नहीं। कलर ब्लाइंडनेस के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रेटनोपिया है यानी कि केवल रेड कलर नहीं दिखता है पर्सन को, ड्यूट्रनोपिया है यानी कि ग्रीन कलर नहीं दिखता है, और ट्रिटनोपिया यानी कि ब्लू कलर नहीं दिखता है। कैटरैक्ट के बारे में बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि नेचुरल लेंस जो होता है आई का, उसके पीछे यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ जम जाता है, ठीक है, जिससे इरिस जो है और प्यूपिल वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे कि लाइट रेटिना तक नहीं पहुंचती है। स्ट्रैबिस्मस में क्या होता है कि इसको बोलते हैं क्रॉस डाइस, ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं लोग देखते हैं, स्ट्रैबिस्मस लोगों को आपने देखा होगा, आपको लगता है वो देख कहीं और रहे हैं और इशारा कहीं और कर रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो मसल आई को कंट्रोल करती है वो एक साथ फंक्शन नहीं कर पाती है। बोन्स के बारे में बात कर लें तो स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी होता है,
हमारा जो नया पैदा हुआ बच्चा होता है उसके 300 बोन होते हैं करीब, और जुड़ते जुड़ते ये 206 रह जाती हैं अडल्ट में। बोन किससे बनी होती हैं? ये कोलेजन प्रोटीन से बनी होती है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे एग्जाम में, लॉन्गेस्ट बोन, शॉर्टेस्ट बोन, और ये सब चीज़ें हम देख ही चुके हैं। हायोइड बोन जो है ये हमारे बेस ऑफ द टंग में होती है, एकमात्र बोन है जो किसी अन्य बोन से नहीं जुड़ी है पूरी बॉडी में, ठीक है। बोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो कौन से हैं? वो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये प्रोग्रेसिव बोन डिसीज़ है जिससे बोन मास घट जाता है, डेंसिटी यहाँ पर घट जाती है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिकेट्स क्या होता है कि सॉफ्ट बोन्स होने लगती हैं बच्चों में, विटामिन डी की कमी से होता है ये। गाउट या आर्थराइटिस होती है जिसमें स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, इसको गठिया भी बोलते हैं। आर्थराइटिस का क्या मतलब होता है? जॉइंट डिसऑर्डर है जिसमें जलन होती है एक या दो आपके जॉइंट में यानी कि जोड़ों में। कैल्शियम जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है बिल्डिंग बोन्स में, ठीक है, बोन लॉस जो होती है बुढ़ापे में होने लगती है, उसके पीस को स्लो करने में विटामिन डी जो है बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फंक्शंस ऑफ हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन से हमारे जो ग्लैंड है उनको सिक्रीट करते हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं हम, जैसे गैस्ट्रिन है ये हार्मोन सिक्रीट किया जाता है स्टमक के द्वारा। इसका क्या काम होता है? ये स्टमक को स्टिमुलेट करता है जिससे कि गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो सके जो कि हमारी स्टमक लाइनिंग की ग्रोथ को यहाँ पर एक्सेलरेट करता है या फिर उसको हेल्प करता है। ग्लूकोगन का क्या काम है? ग्लूकोगन का काम है यहाँ पर ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत कम होने से रोकना, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बनता है जो कि पैंक्रिया के सेल्स होते हैं, ठीक है। इंसुलिन की बात कर लें हम लोग, तो इंसुलिन पैंक्रिया से सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट जो कि हमारे खाने से मिलता है, जो हमारे भोजन से कार्बोहाइड्रेट फैट मिलता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। हमारे लीवर के सेल्स को और स्केलेटल मसल्स को और फैट टिश्यूज को स्टिमुलेट करता है कि वो ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करें, ठीक है। तो ये काम होता है। तो जैसे इंसुलिन की कमी हो जाती है तो लोगों में ब्लड शुगर लेवल का जो असंतुलन होता है वो इसी कारण से होता है, इसकी कमी कारण। कोलेसिस्टोकिनिन ये डुओडिनम से पाया निकलता है, ठीक है। ये बाइल के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है जिससे कि हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो सके और पेट बार बार खाली ना हो, ये देखता है, ठीक है, डुओडिनम से। मेलेटोनिन की बात कर लें तो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, इसे स्लीप हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मेलेटोनिन सेक्रीट होता है तो हम लोग अच्छे से सो पाते हैं। और ईस्ट्रोडायोल की बात कर लें तो ये विमेंस में होता है, बेसिकली ओवरी से सिक्रीट होता है, ठीक है। जो हमारे तीन ईस्ट्रोजन होते हैं, ऑस्टिरोन, ऑस्ट्रिडाइओल और ऑस्ट्रियोल, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैच्योर करना और उसको मेंटेन करना। ऑस्ट्रेडाइओल ये प्लेसेंटा से निकलता है, इसके लेवल जो है प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, और हाईएस्ट पाए जाते हैं जब जेस्टेशन पीरियड होता है यानी कि बर्थ देती है महिला किसी बच्चे को। ऑस्ट्रियोल बेसिकली क्या होता है? इसको ये ओ जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, इस्ट्रियोल बोलेंगे इसको, इस्ट्रियोल या E3। बेसिकली केमिकल फॉर्म में कहाँ से निकलता है? जो बेबी फीटस बन रहा होता है वॉम्ब में उसके एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। तो ये इंडिकेटर होता है कि जो हेल्थ है फीटस की वो अच्छी है। इस्ट्रोजन की बात कर लें तो ओवरीज, एडिपोज टिश्यू और एड्रिनल ग्लैंड इससे निकलता है। मेजर फंक्शन है इस्ट्रोजन का पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में बेसिकली काम करता है, ठीक है। जो वीमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती हैं उनमें इस्ट्रोन का कोई काम नहीं होता ज़्यादा। ऑक्सीटोसिन की बात कर लें तो हाइपोथैलेमस से निकलता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को मदद करता है यूट्रस में जिससे चाइल्ड बर्थ हो सके, लैक्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मिल्क जो है वो ब्रेस्ट में जा सके और निपल्स में जा सके, ये रेगुलेट करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कुछ लेवल्स मेंस में पाए जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है टेस्टीज में उसको हेल्प करता है। इसको लव हार्मोन बोलते हैं क्योंकि सेक्सुअल अराउजल और कोइटल जो भी मतलब मदर इन्फेंट बॉन्डिंग है इसमें इसका रोल होता है। प्रोजेस्टेरॉन की बात कर लें तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है कि ओवरी में वहाँ से बनता है, ये वुमेन्स को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके अलग अलग यूजेस, और बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं पढ़ेंगे इसको। अगर आप देखेंगे 11th 12th की किताबों में तो इनका
मेजर रोल दिया रहता है, लेकिन अभी आपको केवल ऊपर ऊपर का जानना जरूरी है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बस कर सकें आप। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेंस में पाया जाता है, ये टेस्टीज में हमारे बनता है, ओवरीज ओवरीज में विमेन में भी बनता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। मेल एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनमें हेल्प करता है ये, फीटल स्टेज में भी काम करता है, और जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है एडल्ट लाइफ में उसमें भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। इसकी वजह से बॉयज़ में प्यूबर्टी में चेंजेस देखे जाते हैं, फेशियल हेयर्स, मुस्टैचेस, बियर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। विमेन्स में कुछ बहुत टेस्टोस्टेरोन बनता है वो ओवरी के द्वारा, जो ओवरी के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोडोल में, ईस्ट्राडायोल में। अब डिसीजेस के बारे में बात कर लेते हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कौन जेनाइटल डिसीज, हेयर लिप, क्लब फुट, मंगोलिज्म और स्पास्टिक है, और पैराप्लेगिया है। हेरिडिटरी डिसीज कौन कौन सी होती है, हीमोफेलिया, एल्बिनिज्म है। डाइट्री डेफिशिएंसी कौन सी होती है, जो मतलब न्यूट्रिशन की कमी से होती है, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी, अनीमिया। हार्मोनल डिसीज कौन सी होती है, गोइटर, ये थायरॉक्सिन की कमी से होता है, डायबिटीज, पेलीटस, एक्रोमिगैली और ड्वार्फिज्म। वायरल इन्फेक्शियस डिसीज में ये सारी आ जाएंगी, एड्स, चिकन पॉक्स, और जो मतलब कॉन्टैक्ट से फैल सकती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज आ जाएंगी, कॉलरा, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, गोनोरिया, लेप्रोसी, प्नोमोनिया, साइफिलिस, टिटनेस, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस और प्लेग। अब इन्फेक्शियस डिसीज फंगल जो होती हैं वो है रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट और थ्रश। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर वायरल डिसीज़ का क्लासिफिकेशन, बैक्टीरियल डिसीज़ का क्लासिफिकेशन, फंगल का, प्रोटोजोन का, ये ध्यान रखना आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको मैचिंग फॉर्म में दे देते हैं, क्या ये डिसीज़ बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फंगल डिसीज़ में रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट और थ्रश। इन्फेक्शियस डिसीज़ जो प्रोटोजोवा से होती है वो मलेरिया है, डिसेंट्री है, स्लीपिंग सिकनेस है और काला आजर है। इन्फेक्शियस डिसीज़ जो वॉर्म से होती है वो फिलेरिया है, टेप वॉर्म है और पिन वॉर्म है। डिजेनरेटिव डिसीज़ क्या है, ये मतलब कि उम्र, ये उम्र बढ़ने के कारण होती है, बालों का यहाँ पर भूरा, सॉरी, बालों का सफ़ेद होना, गंजापन, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट, नज़र से संबंधित बीमारी, पार्किंसंस डिसीज़ और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इम्यूनोलॉजिकल डिसीज़ ये है, हे फीवर, अस्थमा, रिमोटाइड आर्थरीटिस, नेटल रैश। न्यूप्लास्टिक डिसीज़ कौन सी है, वार्ट्स, मोल्स और कैंसर। अब किस ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज होती है, जैसे विब्रो कॉलरी से होती है कॉलरा, सलमोनेला टाइफी से होती है टाइफॉइड, सलमोनेला पैराटाइफी से होती है पैराटाइफॉइड, प्लाज्मोडियम से होती है मलेरिया, वेरिसेला रोस्टर से होती है चिकन पॉक्स, रुबेला से होती है मीजल्स, रुबेला से होती है जर्मन मीजल्स, और बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस से होती है वूपिंग कफ, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है डिप्थीरिया, निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया से होती है गोनोरिया, माइकोबैक्टीरियम लिप्री से होती है लेप्रोसी, और ट्रिपोनीमा पेलाइडियम से साइफिलिस। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेस ही होती है टिटनेस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया से होती है निमोनिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस से होती है प्लेग, और टाइकोफाइटन रूब्रम से होती है रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट, ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी से होती है स्लीपिंग सिकनेस, लिशमेनिया से होती है कालाजर, लेप्टोस्पिरा से होती है लेप्टोस्पिरोसिस, H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू, और H5N1 से होता है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको बर्ड फ्लू बोलते हैं, ठीक है। अब डेफिशिएंसी डिसीज, नाइट ब्लाइंडनेस ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, बेरी बेरी, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स, डी की कमी से, स्टर्लिटी, विटामिन ई की कमी से, इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग, के की कमी से, और एनीमिया आयरन की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस किससे होती है, कैल्शियम की कमी से, गोइटर, आयोडीन की कमी से, क्वाशियोर्कर, प्रोटीन की कमी से, जेरोथैलेमिया, विटामिन ए की कमी से, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी से, हाइपोनैट्रीमिया, सोडियम की कमी से, हाइपोमैग्नीशियमिया, मैग्नीशियम की कमी से, पेलाग्रा, नियासिन की कमी से। लेप्रोसी को कहते हैं हम लोग हैंसन डिसीज, हार्ट अटैक को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया, शॉर्ट साइटेडनेस को कहते हैं मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं निक्टलोपिया, बैल्डनेस को कहते हैं एलोपीशिया, और वूपिंग कफ को कहते हैं पर्ट्यूसिस। अब कौन सी डिसीज़ हमारे किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो ग्लूकोमा से होती है आइज इफेक्ट होती है, ट्रैकोमा से आइज इफेक्ट होती है, स्कर्वी से गम्स यानी मसूड़े, रिकेट से बोन्स, आपकी मलेरिया से स्प्लीन,
टाइफॉइड से इंटेस्टाइन, गोइटर से थायराइड, जिंजिवाइटिस से गम्स, ग्रेव्स डिसीज से थायराइड इफेक्ट होता है, थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जॉन्डिस के से लीवर इफेक्ट होता है, टिटनेस से स्केल्टल मसल्स इफेक्ट होती हैं, अल्जाइमर से ब्रेन, आर्थराइटिस से जॉइंट्स, कोलाइटिस से कोलोन, डिप्थीरिया से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओटिटिस से ईयर, और सोरियासिस से स्किन, विटिलिगो से स्किन, लेप्रोसी से स्किन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पॉइजनिंग डिसीजेज के बारे में बात कर लेते हैं, ये किसी न किसी एलिमेंट या कंपाउंड की इफेक्ट से होते हैं, ठीक है, उनके डिपोजिशन से होते हैं। जैसे प्लम्बिज्म होता है लेड से, इताई इताई डिसीज होती है कैडमियम से, मैड हैटर्स डिसीज होती है मरकरी से, मिनमाटा डिसीज होती है मरकरी से, बिसिस्नोसिस ब्राउन लंग डिसीज होती है कॉटन डस्ट से, मिसोथिलियोमिया होती है एबेस्टस से, वाइट लंग डिसीज होती है एबेस्टस से, ब्लैक लंग डिसीज होती है कोल डस्ट से, सिल्कोसिस होती है सिल्का डस्ट से, साइड्रोसिस होती है आयरन रस्ट से। मिनमेटा डिसीज यहाँ पर मिनमेटा सिटी में डिस्कवर की गई थी जापान में, इस वजह से इसका नाम पड़ा है। अब एनिमल्स से या बर्ड इंसेक्ट से जो डिसीज ट्रांसमिट होती है, जैसे से फ्लाई से आपकी स्लीपिंग सिकनेस होती है, सैंड फ्लाई से काला जर होता है, एनोफिलीज मस्कीटो से मलेरिया होता है, रोडेंट से बिबोनिक प्लेग होता है, रोडेंट से लेप्टोस्पिरोसिस होती है, रोडेंट से हेंटा वायरस सिंड्रोम होता है, डॉग्स से रेबीज होता है, और एंथ्रैक्स होता है एनिमल से, किसी भी एनिमल से, रैबिट से टुलरेमिया हो सकता है, पोल्ट्री से एवियन इन्फ्लुएंजा हो सकता है, पोल्ट्री यानी कि आपके मुर्गे या मुर्गियों से, पिग्स से हो सकता है, पिग्स से बेसिकली क्यूलेक्स मस्कीटो से जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो सकती है, मस्कीटो से हो सकता है डेंगू फीवर, वेस्ट नाइल फीवर, येलो फीवर, टिक से हो सकता है यहाँ पर कॉन्गो हेमरेजिक फीवर और लाइम, फ्रूट बैट से होता है निपाह वायरस, ठीक है। किस विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम होता है, रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए को हम लोग, थायमिन बोलते हैं विटामिन B1 को, राइबोफ्लेविन बोलते हैं B2 को, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं B5 को, पाइरोडॉक्सिन बोलते हैं B6 को, नियासिन और निकोटेनिक एसिड बोलते हैं B3 को, बायोटिन बोलते हैं B7 को, फोलिक एसिड बोलते हैं B9 को, कोबालामाइन बोलते हैं B12 को, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं सी को, विटामिन सी को, कैल्सिफेरॉल बोलते हैं विटामिन डी को, टोकोफेरॉल बोलते हैं विटामिन ई को, और फाइटोमेनाडाइओन बोलते हैं के को। टोकोफेरॉल जो है ये एक फॉर्म होता है विटामिन ए का, रेटिनॉल जो होता है वो फॉर्म होता है विटामिन ए का, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में होने चाहिए, जैसे पल्स रेट 72 पल्सेस पर मिनट गिरनी चाहिए करीब, ठीक है, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होना चाहिए 120 mmHg का, और डायस्टोलिक होना चाहिए 80 mmHg, और बॉडी मास इंडेक्स 20 से 25 होना चाहिए, बेलो 20 है तो आप अंडर वेट हैं, ओवर 25 है तो आप ओवर वेट हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर 37, ठीक है। पीएच ह्यूमन पीएच लेवल जो है ह्यूमन ब्लड का वो कितना होना चाहिए, 7.35 से लेकर 7.45 तक। आईसाइट 6:6 होनी चाहिए, 6:6 होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल बेलो होना चाहिए 200 mg डे का लीटर के। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो मेल्स में होना चाहिए 13.8 से लेकर 17.2 तक होना चाहिए, फीमेल्स में 12 से 15 तक होना चाहिए, ठीक है। रिलीजन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, तो जो हिंदुइज्म के सैक्रेट टेक्स्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं, रामायण, महाभारत और भागवत गीता। रामायण जो है ये 24,000 verses में लिखी गई है हमारे वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में, ठीक है। 6 कांडों में इसको डिवाइड किया गया, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। 7वां कांड है जो उत्तर कांड, ठीक है, ये लेटर माना जाता है कि ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया था, ये इसको बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। कंबन जो है ये इन्होंने तमिल में रामायण लिखी थी, ठीक है, इन्होंने इराम अवतारम से लिखी नाम से लिखी थी, ठीक है। तेलुगु वर्जन रामायण का वो रंगनाथ रामायण के नाम से गौड़ बुद्ध रेड्डी ने लिखी थी। कृतवासी रामायण जो है ये बंगाली वर्जन रामायण का, ये किसने लिखी थी, कृतिवास ओझा ने। रामचरित मानस किसने लिखी थी, तुलसीदास ने, ये अवधि में लिखी थी उन्होंने। महाभारत जो है हमारी ये वेद व्यास ने संस्कृत में लिखी थी, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एपिक मानी जाती है महाकाव्य, 10,000 verses में और 18 पर्वों में इसको डिवाइड किया गया है। भागवत गीता में 700 verse हैं और ये महाभारत की पार्ट है। वेद जो हैं ये कृष्ण दिवोपायन के द्वारा कंपाइल किए गए माने जाते हैं,
जिनको वेद व्यास के नाम से हम लोग जानते हैं। वेदों को वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा माना जाता है। ऋग्वेद में हाइम्स हैं इन प्रेज ऑफ सेवरल डाइटीज़, और ज़्यादातर जो हाइम्स हैं वो इंद्र और अग्नि के रिलेटेड हैं। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, ये एक इन्वोकेशन है सन गॉड को, ठीक है, सूर्य देवता को, सूर्य देवता के लिए आवाहन है। सामवेद जो है ये पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित है। ओरिजिन जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, वो सामवेद पर आधारित माना जाता है। यजुर्वेद जो है ये दो ब्रांच में आता है, कृष्ण और शुक्ल में। यजुर्वेद में चैंट्स हैं, ठीक है, और एंशियंट राइट्स हैं, इसमें बलिदानों के बारे में बात कही गई है, सेक्रीफाइसेस के बारे में। अथर्ववेद में स्पेल्स और चार्म्स हैं डिसीजेस को भगाने के लिए और बुरी शक्तियों को भगाने के लिए, ठीक है। आयुर्वेद का ओरिजिन कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। चार उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। स्कूल्स ऑफ वैदिक फिलॉसफी के बारे में बात कर लेते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। स्कूल्स ऑफ वैदिक फिलॉसफी किसने क्या प्रतिपादन किया था? तो सबसे पहले सांख्य और कॉस्मिक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल है, इसके यहाँ पर प्रतिपादक कौन है, फाउंडर कपिल। योग के कौन है? पतंजलि। न्याय के कौन है? गौतम। वैशेषिक और एटॉमिक स्कूल के कौन है? कणाद। पूर्व मीमांसा और रिचुअलिस्टिक स्कूल के कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा और थियोलॉजिकल स्कूल के कौन है? व्यास। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर कौन कौन से हैं? गोदावरी, महाराष्ट्र, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, प्रयाग, कॉन्फ्लुएंस है गंगा जमुना सरस्वती का, सभी जानते हैं, हरिद्वार में गंगा में है। और चार धाम कौन कौन से हैं? पुरी, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। अब हम यहाँ पर कुछ फिजिकल साइंस के फैक्ट देख लेते हैं, अलग अलग एलिमेंट के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस जो होती हैं। आइसोटोप किसको बोलते हैं? एलिमेंट का वेरिएंट जो न्यूट्रॉन में डिफरेंट होता है, या फिर जिसके दो एलिमेंट जिसके न्यूट्रॉन नंबर जो हैं डिफरेंट होते हैं। फिजिकल फॉर्म ऑफ एलिमेंट जो ग्रेफाइट और डायमंड, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको एलोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट अबाउंडेंट कौन है एलिमेंट हमारे यूनिवर्स में? वो है हाइड्रोजन। एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में होता है वो है ऑक्सीजन हमारा। एलिमेंट जो 10 मिलियन कंपाउंड बना सकता है वो है कार्बन। एलिमेंट लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ है हीलियम। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? कार्बन का। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका? टंगस्टन का। हाईएस्ट डेंसिटी ऑस्मियम की, लोएस्ट डेंसिटी हाइड्रोजन की। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की। एलिमेंट जिसमें लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो है फ्रांसियम, ठीक है। आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस किया जाता है एलिमेंट वो है टेक्नीटियम, और द मोस्ट करोजन रेजिस्टेंट एलिमेंट जो है वो है इरिडियम, ठीक है, जो मतलब वाटर, केमिकल और एसिड से जरा भी रिएक्शन नहीं करता। एलिमेंट जो डिस्कवर किया गया था सन में अर्थ से पहले वो है हीलियम। नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे वो है ब्रोमीन। एक मेटेलिक एलिमेंट जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे वो मरकरी। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। परसेंटेज जो ऑक्सीजन का होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में वो कितना पाया गया है? वो है 21% अप्रॉक्सीमेटली। लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन है, हैवीएस्ट गैस रेडॉन है, टीयर गैस अमोनिया है, मार्श गैस मीथेन है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नेचुरल गैस कौन सी है? मेनली मिथेन होती है, स्मॉल क्वांटिटीज इसमें इथेन और प्रोपेन की होती है। गोबर गैस मिथेन, CO2 और हाइड्रोजन का मिक्सर है। गैस जिसकी फाउल स्मेल आती है वो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं। फाउल स्मेल किस तरह की आती है? सड़े अंडों जैसी। गैस जो मिक्स की जाती है ऑक्सीजन के साथ और जो पेशेंट जिनको सांस की दिक्कत होती है उनको चढ़ाई जाती है हीलियम के साथ, ठीक है। मेजर पॉल्यूटेंट जब वाहनों की जांच होती है प्रदूषण की तो इसको चेक किया जाता है, इसके लेवल को, इसका नाम है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। जो गैस रिस्पॉन्सिबल होती है ब्राउन एयर जो होती है कंजेस्टेड ट्रैफिक में, उस किसके कारण होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 के। मेजर पोल्यूटेंट जो होता है जहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वो है SO2, ठीक है। और स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस जो LPG में डाला जाता है वो है इथाइल मरकैप्टन, इसको इथेन थायोल भी बोलते हैं। गैस रिस्पॉन्सिबल जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए होती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFCs बोलते हैं शॉर्ट में।
गैस रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो यूज़ की जाती है वेल्डिंग और आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, वो है एसिटिलाइन, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ की जाती है वो है आर्गन। गैस जो यूज़ की जाती है मरकरी वेपर में फ्लोरोसेंट लैम्प्स में, वो है मरकरी वेपर। गैस जो एलपीजी में यूज़ की जाती है वो है ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। गैस जो रेफ्रिजरेशन में यूज़ की जाती है वो है फ्रियॉन। गैस जो यूज़ की जाती है एनेस्थेटिक के रूप में, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अलॉयज जो है ये किस किस से बनते हैं ये आपको बताना है इसमें, तो ड्यूरोलेमिन किस से बनता है, कॉपर और एल्यूमिनियम से। ब्रास किस से बनता है, कॉपर जिंक से। ब्रॉन्ज किस से बनता है, कॉपर टिन से। इनवार किस से बनता है, आयरन निकल से। स्टेनलेस स्टील से क्या बनता है, आयरन क्रोमियम निकल। जर्मन सिल्वर से क्या बनता है, कॉपर निकल जिंक। गन मेटल से क्या बनता है, मतलब गन मेटल किस से बनता है, कॉपर टिन और जिंक के मिक्सचर से। सोल्डर किससे बनता है, लेड और टिन के मिक्सचर से। और इलेक्ट्रम किससे बनता है, गोल्ड और सिल्वर के मिक्सचर से। और कॉन्स्टेंटम किससे बनता है, कॉपर निकल के मिक्सचर से। और मैंगनीन किससे बनता है, कॉपर मैंगनीज और निकल के मिक्सचर से, जो एक ट्रेडमार्क्ड नेम भी है। तो ये तो बात हो गई आपके लॉयज की, वो ओर्स कौन कौन से जिनसे मेटल आपके निकलते हैं या जिससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एल्युमिनियम किससे निकालते हैं, बॉक्साइट से। बेरिलियम किससे निकालते हैं, बेरिल से। क्रोमियम किससे निकालते हैं, क्रोमाइट से। कोबाल्ट किससे निकालते हैं, कोबाल्टाइट से। कॉपर किससे निकालते हैं, बोरनाइट से। चालकोसाइट निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं बोरनाइट और चालकोसाइट से। गोल्ड निकालते हैं क्वार्ट्ज से। आयरन निकालते हैं मैग्नेटाइट से। लेड निकालते हैं गैलिना से। मैंगनीज निकालते हैं पायरोसलाइट से। मरकरी निकालते हैं सिनबार से। निकल निकालते हैं हम लोग पेंटरलाइट से। टिन निकालते हैं कैसेट्राइट से। टंगस्टन वुल्फराइट और शिलाइट से। सिल्वर निकालते हैं अर्जेंटाइट से। यूरेनियम यूरेनाइट से। और जिंक स्फेलराइट से। और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से मेज़र करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला से। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं। डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। डिराइव्ड यूनिट्स नहीं ज़्यादा आपसे पूछते हैं कभी, हमेशा ये वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। बेस यूनिट्स, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बेस यूनिट्स बहुत पूछे जाते हैं, ये आप चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। 1 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होते हैं, 1 मीटर में कितने यार्ड होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने नॉटिकल माइल्स होते हैं, एक मीटर में कितने फैथोम्स होते हैं, 1 फैथोम यानी कि 1.828 मीटर। इंस्ट्रूमेंट और उनके यूजेस क्या क्या हैं, जैसे बोलोमीटर है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है रेडिएशन मेज़र करने के लिए जो राइज इन टेम्परेचर से होता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर यूज़ किया जाता है डेंसिटी लिक्विड किस मेज़र करने के लिए। हाइग्रोमीटर किस लिए होता है, ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए, किसी भी एयर या गैस में ह्यूमिडिटी कितनी है। लैक्टोमीटर क्या होता है, अमाउंट ऑफ मिल्क जो है वाटर में उसको मेज़र करने के लिए। एनेमोमीटर क्या होता है, विंड फोर्स मेज़र करने के लिए। सेलाइनोमीटर क्या होता है, ये होता है सेलिनिटी किसी सॉल्यूशन की मेज़र करने के लिए। एल्टीमीटर क्या होता है, ये होता है एल्टीट्यूड मेज़र करने के लिए किसी भी एयरक्राफ्ट का। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करने के लिए। और स्कोप्स के बारे में बात कर लें तो टेलीस्कोप ऑप्टिकल मेजरमेंट लेंसेस और मिरर्स का यूज़ करने मेज़र करने के लिए, ठीक है। और माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये मैग्नीफाइंग लेंस होता है जिससे हम लोग सेल्स वगैरह, जो लोग बायोलॉजी लिए होते हैं जूलॉजी बॉटनी वगैरह, वो अपने लैब में सेल्स के टिश्यू वगैरह टेस्ट, सेल्स और टिश्यू वगैरह जो है टेस्ट करते हैं डिसेक्शन के दौरान। स्टेथोस्कोप क्या होता है, हार्ट और लंग्स को लिसन करने के लिए ये जो है ये यूज़ किया जाता है। कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये मिरर और पीसेस होते हैं इसमें कलर्ड ग्लास के, और ये रिफ्लेक्टेड पैटर्न दिखाता है जब इसको हिलाते हैं तो। एंडोस्कोप क्या होता है कि ये हॉलो ऑर्गन में, यानी कि जो खाली ऑर्गन होता है उसकी कैविटी में डाल करके एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑक्सीलोस्कोप क्या होता है कि ऑस्किलेशंस जो है वो देखने के लिए कैथोड रे ट्यूब में वो मेज़र किया जाता है इससे, मतलब देखा जाता है इससे। पेरिस्कोप क्या होता है कि इसमें ट्यूब और मिरर्स होते हैं, और ये बेसिकली लोग सबमरीन्स में और क्राउड में देखने के लिए यूज़ करते थे इसको, ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, तो इससे देखा जाता है, ठीक है। यहाँ से ऊपर उठा के देखते हैं तो ये इधर का इधर दिखता है।
क्रेस्कोग्राफ यूज़ किया जाता है ग्रोथ मेजर करने के लिए प्लांट्स में, सिस्मोग्राफ यूज़ करा जाता है फोर्स और डायरेक्शन जो है अर्थक्वेक्स का उसको मेजर करने के लिए, कार्डियोग्राफ जो होता है ये हर्ट मूवमेंट्स को मेजर करने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए, ये सिग्नलिंग एपरेटस होता है सनलाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए फ्लैशेस में, रेडियोग्राफ जो होता है ये रेडिएशन की इंटेंसिटी रिकॉर्ड करने के लिए होता है। साउंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे स्पीड और साउंड की कितनी होती है 343 मीटर पर सेकेंड, ऑडिबल रेंज कितनी होती है 20 से 30,000 हर्ट्स, और ये जो साउंड है 85 डेसिबल की, अगर इससे ज़्यादा हमने अगर सुन ली लंबे समय तक तो हमारी जो है परमानेंट हम अपनी सुनने की शक्ति खो सकते हैं। जो वुमेन्स की वॉइस को श्रिल बनाता है मेल्स की वॉइस से, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिच। पिच वुमेन्स की वॉइस की ज़्यादा होती है, ठीक है। लाउडनेस मेजर की जाती है साउंड की डेसिबल्स में। एनिमल्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हाई पिच और फ्रीक्वेंसी की होती है, जिससे वो एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। वो एनिमल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं डॉल्फिन्स और एलिफेंट्स। 17 मीटर की का डिस्टेंस हमको चाहिए होता है सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जेक्ट के बीच, जिससे हम इको सुन सकें, ठीक है। 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। सिस्टम ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन जो कि डेप्थ ऑफ ओशियन फाउंड करने के लिए यूज़ करा जाता है, उसको बोलते हैं सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो फिनोमिना है, जो ट्रेन की आती हुई आवाज़ को और भी श्रिल बनाता है, उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। साउंड ट्रैवल वैक्यूम में नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड को एक हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। साउंड जो है मेटल्स में फास्टर मूव करती है एयर के मुकाबले। सोनिक बूम्स जो हैं वो आते हैं तब जब सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है क्रॉस करता है साउंड बैरियर को। लेंसेज के द्वारा जो इमेज बनती है उससे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक जगह दिया है, पोजीशन ऑफ इमेज दिया है, और नेचर ऑफ इमेज, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं साइंस सेक्शन में आपसे। जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है, फोकस पर, ठीक है। रियल डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड इमेज बनती है। जब 2F पर रखते हैं तो पोजीशन इमेज क्या होती है, 2F ही। ये रियल डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड इमेज बनती है। जब फोकस 2F और F के बीच होता है तो ये कैसी बनती है, रियल बनती है, लार्ज बनती है, बड़ी और इन्वर्टेड। जब F पे होता है तो कोई इमेज नहीं बनती है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रेस जो है वो पैरेलल जाती हैं। F और लेंस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो सेम साइड बनती है इमेज जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल बनती है, इनलार्ज बनती है और उल्टी बनती है, अपराइट। कन्वेक्स लेंस का हम यूज़ देख ही चुके हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज़ किया जाता है और लॉन्ग साइटेड पर्सन के विजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्केव लेंस के बारे में बात कर लें तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पर बनेगी, F और इन्फिनिटी के बीच होगा तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच बनेगी, वर्चुअल, डिमिनिश्ड और अपराइट। ये स्पाई होल्स जो होते हैं डोर में विजिटर्स को चेक करने के लिए उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। और शॉर्ट साइटेड पर्सन की दृष्टि को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रियल और वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी ये हैं दोनों। कनकेव मिरर के बारे में बात कर लें तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पर इमेज बनेगी, अगर रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा तो एफ और सी के बीच बनेगी, रियल, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड। सी पर होगा तो सी पर इमेज बनेगी, रियल, सेम साइज और इन्वर्टेड। सी और एफ के बीच होगा तो बियॉन्ड सी बनेगी, रियल, इनलार्ज्ड और इन्वर्टेड। एफ पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, लार्ज, रियल और इन्वर्टेड। एफ और पी के बीच होगा तो मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल, इनलार्ज्ड और अपराइट। यूज़ क्या है कन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ है ड्राइविंग मिरर के रूप में, ठीक है। ट्रैफिक लाइट जो ड्राइविंग मिरर होता है हमारी गाड़ी में लगा रहता है पीछे का व्यू लेने के लिए। ब्लाइंड कॉर्नर्स जो रोड पर होते हैं ड्राइवेज पर, उनको उनके लिए। प्लेन मिरर का यूज़ क्या होता है, लुकिंग ग्लास के लिए, पेरिस्कोप के रूप में और कैलिडोस्कोप के रूप में और बच्चों के खिलौने के रूप में। इंपॉर्टेंट यूजफुल केमिकल्स जो होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि केमिकल जिसमें फ्लोरोसेंट लैम्प को कोट किया जाता है जिनमें, जिससे वो इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर सके, वो कौन सा केमिकल है, फॉस्फोरस, इससे कोट करते हैं। रस्ट के दाग जो कपड़ों में लग जाते हैं उसको मिटाने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। फोटोग्राफिक फिल्म्स को जिससे कोट किया जाता है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, कई बार पूछा गया है। जिसमें गोल्ड भी घुल जाता है वो आप कौन सा केमिकल है, वो है एक्वारिजिया।
जो हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ किया जाता है कोट करने के लिए, वो है टेफ्लॉन। ठीक है, केमिकल जो यूज़ किए जाते हैं माचिस बनाने वाले इंडस्ट्रीज़ में, वो है फॉस्फोरस। केमिकल जो प्योरीफाई करने के लिए वाटर में यूज़ किया जाता है डिसइन्फेक्टेंट के रूप में, क्लोरीन है वो। केमिकल जो एंटीसेप्टिक माउथ फ्रेशनर में टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। केमिकल जो ब्रेथ टेस्ट में यूज़ किया जाता है ये ड्रंकन ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है हमारा कि जो पर्गेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो है मैग्नीशियम सल्फाइड। जो क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, वो है सिल्वर आयोडाइड। केमिकल जो फिक्सिंग एजेंट के रूप में फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है और जर्मीसाइड के रूप में, वो है सोडियम थायोसल्फेट। केमिकल जो यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव डिवाइसेस में और फर्टिलाइजर्स में, वो है अमोनियम नाइट्रेट। सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है कैप्सूल सेल्स बनाने में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और जो जेलिंग एजेंट होता है कुकिंग में, वो होता है जिलेटिन। ये मीट वगैरह में आसानी से मिल जाता है। शुगर केन इंडस्ट्री प्रोडक्ट जो पेट्रोल में ब्लेंड करके मिलाया जाता है, जैसे समय 5 से 8% जो है हमारा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो है बिकता है हमारे पेट्रोल पंप्स में, तो वो है इथेनॉल C2H5OH, इसको बोलते हैं केमिकल नेम C2H5OH। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाइडली यूज़ किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में, ड्राई क्लीनिंग के लिए, वो है टेट्रा क्लोरो इथिलीन। जो केमिकल है यूज़ किया जाता है बेबी डाइपर्स के रूप में, सुपर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो है सोडियम पॉलीक्राइलेट। केमिकल यूज़ किया जाता है बॉडीज़ को यहाँ पर एम्बाम करने के लिए, उनमें लगाने के लिए। स्पेसिमेन और टिश्यूज़ जो होते हैं लैब में यूज़ किए जाते हैं, उनको लगाया जाता है जिससे वो सड़ ना जाए, वो होता है फॉर्मेलिन। एक्वस सोल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। जो कंपाउंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और सोप में इसकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो है ग्लिसरॉल। जो केमिकल जो है फॉग और स्मोक जो है प्रोड्यूस करते हैं थिएटिकल स्टेजेस या स्टूडियो में, वो क्या होते हैं, वो ड्राई आइस रख दिए जाते हैं। जैसे स्टेज शो होते हैं, डांस फंक्शंस होते हैं, तो उसमें इफेक्ट बनाए जाते हैं खूब स्मोकी और फॉग वाले, वो ग्लाइकोल और वाटर के मिक्सचर से और ड्राई आइस से बनाए जाते हैं। केमिकल जो यूज़ किया जाता है एंटी कोगुलेट के लिए ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स में और प्रिजर्वेशन के लिए ब्लड बैंक्स में, ब्लड बैंक्स की बोतलों में इसको डालते हैं थोड़ा थोड़ा सोडियम सिट्रेट, जिससे ब्लड उसमें जम ना जाए। जो केमिकल यूज़ किया जाता है रोडेंटिसाइड के रूप में, वो है जिंक फॉस्फाइड। जो केमिकल यूज़ किया जाता है सनस्क्रीन लोशंस में, सिगरेट फिल्टर्स में, सिरामिक इंडस्ट्रीज़ में, वो है जिंक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात कर लें, तो ये लैक्टिक एसिड जिसको सोर मिल्क में मिलता है C2H4OHCOOH, इसका आपका फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड विनेगर होता है C3COOH, इसको बोलते हैं हम लोग। ये फॉर्मिक एसिड है, इसको एंटी विनोम भी बोलते हैं हम लोग। HCOOH है इसका केमिकल फॉर्मूला। सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, लेमन लाइम ऑरेंजेस में, C6H8O7 बोलते हैं इसको, सिट्रिक एसिड। ऑक्जैलिक एसिड C2C2O4 होता है, ये स्पिनच वगैरह में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड ये आपके मिल्क बटर में मिलता है ट्रेसिस में। लॉरिक एसिड ये आपको कोकोनट ऑयल में मिलता है। मैलिक एसिड आपको खट्टे अंगूरों में और खट्टे सेब में मिलता है। टार्टरिक एसिड आपको ग्रेप्स और टेमरिंड्स में मिल जाता है। और यूरोसिस एसिड आपको रेप सीड ऑयल में मिलता है। एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इनका pH 7 से लेस होता है। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड्स का खट्टा टेस्ट होता है। एसिड्स बेस के साथ मिल करके रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट वाटर बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर के सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। HCl है, इनऑर्गेनिक एसिड में सी नहीं होगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड सबसे पहले HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिकलिंग ऑफ स्टील में इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे स्टोमक में सेक्रीट होता है, उसमें मेनली HCl ही होता है लो कंसेंट्रेशन में। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है एटमॉस्फेयर में, उससे ये प्रोड्यूस होता है नेचर में। सल्फ्यूरिक एसिड ये इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड लेड एसिड बैटरीज में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते थे एंशियंट टाइम्स में। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है, ये बेवरेजेस में यूज़ किया जाता है।
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF है, ये एचिंग और एचिंग ऑफ ग्लास में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और प्लास्टिक कंटेनर्स में इसको स्टोर करते हैं। कार्बनिक एसिड की बात कर लें तो H2CO3 है ये, और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और अदर जो बुलबुलों वाली ड्रिंक्स होती है उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बोरिक एसिड ये एंटी सेप्टिक, आई वॉश, सॉक और शू में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एथलीट फुट नाम की डिसीज को प्रिवेंट किया जा सके। अब प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लांट जिससे ओपियम जो मॉर्फिन का रिच सोर्स है वो बनाया जाता है, वो क्या है, वो है पॉपी। पॉपी कॉमन नेम है पेपर सोमनीफेरम, उसका साइंटिफिक नेम है। मारिजुआना जिस प्लांट से बनाते हैं वो है कैनबिस, कैनबिस सेटाइवा मेनली होता है इंडिया में जो मिलता है, ठीक है, इंडियन हेम्प प्लांट जिसको बोलते हैं, और बाकी और भी चीज़ें हैं। जो प्लांट है जिससे कोकेन बनाया जाता है वो कोका प्लांट है। प्लांट जिससे एंटी मलेरियल ड्रग क्विनिन बनाया जाता है वो सिनकोना प्लांट है। प्लांट जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रेस्पिरेंसिस बनाया जाता है, रेसरपाइनिस या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, वो है रोवल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है। और अगला है हमारा प्लांट जिससे शिकोरी, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट होता है कॉफ़ी का उसको बनाते हैं, वो है शिकोरियम इंटाइबस। जिससे टर्पेंटाइन ऑयल बनाते हैं वो है पाइन ट्री। जो ट्री है जो एरोमेटिक मेडिसिनल ऑयल देता है नीलगिरी तेल, वो है यूकोलिप्टस। जो प्लांट है जिससे ब्लू डाई हम लोग बनाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वो है इंडिगो। बायोडीजल जिससे बनाते हैं वो है जट्रोफा। जो फ्लावर है जिसके पीटल्स जो है गुलकंद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हमारे पान में डाले जाते हैं, वो है रोज यानी कि गुलाब। अब प्लांट पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा लौंग होती है वो क्या है, बेसिकली वो एक फ्लावर बड है, ठीक है। और जो सिनेमन ट्री से हम जो निकालते हैं, ठीक है, जो सिनेमन डालते हैं जिसको क्या बोलते हैं, दालचीनी बोलते हैं, बेसिकली क्या है, एक छाल है पेड़ की, ठीक है। पोटैटो जिंजर किसका हिस्सा है प्लांट में, स्टेम हम लोग खाते हैं पोटैटो जिंजर के रूप में। कोकोनट हम लोग खाते हैं जो, वो क्या है, वो सीड है। कॉफ़ी किससे बनाते हैं, कॉफ़ी भी सीड है। शुगर किससे बनाते हैं, स्टेम से गन्ने की। सैफरन स्पाइस जो है वो स्टिग्मा होती है, बेसिकली सैफरन मतलब केसर। और जो जूट फाइबर है वो बार्क से बनता है, बेसिकली छाल से। जो प्लांट जिससे कॉटन फाइबर निकलता है वो बेसिकली फ्रूट्स होते हैं, हेयर सराउंडिंग द सीड्स हम लोग कह सकते हैं। रबर किससे बनाते हैं, ट्री के लेटेक्स से। अब साइंटिफिक टेम यहाँ पर दे रखे हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, जैसे एलियम सीपा, ये ओनियन है इसका मतलब नेम। सोलेनम ट्यूबरसम है, ये पोटैटो है। क्यूकुमिस सेटाइवस है, ये कोकम्बर है। लेक्टका सेटाइवा है, ये लेट्यूस है, ठीक है। डॉकस कैरोटा है, ये हमारा कैरेट यानी कि गाजर है। जो हमारा आम है उसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम। एप्पल का नाम है पारिस मेलस। वाटर मेलन का नाम है सिट्रलस वल्गैरिस। और लेमन का नाम है सिट्रस लिमोनियम। और ऑरेंज का नाम है सिट्रर ऑरेंशियम। टोमेटो का साइंटिफिक नेम है लाइको परसिकन एस्कलेंटम। और बनाना का नाम है यानी केले का म्यूसा पेरासिडिशियम। गुआवा का नाम है सीडियम गुआवा। पाइनएप्पल का नाम है अनानास सेटाइवस। कैप्सिकम का नाम है कैप्सिकम फ्रूटसीन। स्पिनच का नाम है स्पिनाकिया ओलिशेरिया। और रेडिश का नाम है रेफनेस सेटाइवस। सीरियल्स यानी अनाजों का जो साइंटिफिक नेम है, ये आपको ब्लैक ग्राम को काले चने को बोलते हैं प्लासिस मुंगो। ग्रीन ग्राम को बोलते हैं फैसिलिस ऑशियस। रेड ग्राम को बोलते हैं लाल चने को कोजुनस शिगैन। हॉर्स ग्राम को बोलते हैं डॉलिकोस बाइफस। सोरघुम वल्गेर बोलते हैं ज्वार को। ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं वीट को। राइस को बोलते हैं ओरिजा सटाइवा। मेस को बोलते हैं जी मेस। अदरक का साइंटिफिक नेम है जिंजिबर ऑफ स्नेल। गार्लिक का है एलियम सटाइवम। ब्लैक पेपर का है पीपर निग्रम। क्लोव का है साइजियम ऑरोमेटिकम। और टर्मरिक का है करकुमा लौंगा। नीम का है एज ए डायरेक्टा इंडिका। बनियान का है फीकस बंगालिनसिस। टोबैको का है निकोटीना टोबैकम। बैम्बू का है बैम्बू। ड्रमस्टिक का है मोरिंगा ओलिफेरा। तुलसी का है ओशिमम सैंक्टम। और सैंडलवुड का है सेंटलम एल्बम। कॉटन का है गॉसिपियम हर्बेशियम। मनी प्लांट का है एपिप्रीमियम ओरियम। करी प्लांट का है मुराया कोइंगी। और मिंट का है मेंथा अरवेंसिस। कोरिएंडर का है कोरिएंट्रम सेटाइवम। और हेना का है लॉसोनिया इनर्मिस।
रिवर सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देखेंगे हम लोग। इंडिया का रिवर सिस्टम है चार पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। सबसे पहले तो है हिमालयन रिवर्स का ग्रुप, दूसरा है डेक्कन या पेनिनसुलर रिवर्स का ग्रुप, कोस्टल रिवर्स और रिवर जो है इनलैंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो बनाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ या रिवर्स जैसे कि लूनी, मच्छू, बानस, रुपेन, सरस्वती और घाघर, ये एग्जाम्पल है रिवर और इनलैंड वाटर ड्रेनेज के। ये अपना वाटर जो है किसी ओशन में नहीं गिराते हैं बल्कि इनका पानी सैंड में ही खो जाता है। ठीक है, सुबर्णरेखा, वंशधारा, नागावली, वैगाई, नेत्रावती और श्रावती एग्जाम्पल है कोस्टल रिवर्स के। ठीक है, हमारे देश की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, उसके बाद गोदावरी है, यमुना है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा है। तो इनको इनकी लंबाई को आप लोग जो है ऑर्डर से ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी नदी है हमारे पूरे इंडिया में इंदूस। ठीक है, इसका ओरिजिनेशन होता है तिब्बत में, ये इंटर करती है पाकिस्तान में और फिर बाद में अरब सागर में बह जाती है। गंगा को भागीरथी हम लोग बोलते हैं, आपको पता होगा क्योंकि राजा भागीरथ अपने पुरखों को उतारने के लिए इसको उतार करके लाए थे, ऐसा मानते हैं हम लोग। रिवर गंगा है जो बांग्लादेश में बहती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। कई सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। हमारे जितने भी रिवर हैं ये बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर गिरती हैं। नर्मदा, तप्ती, नेत्रावती और पेरियार जो है ये अरेबियन सी में गिरती हैं। सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, पांच रिवर जो हैं ये पंजाब की हैं, इस वजह से इसको पंजाब बोलते हैं। दक्षिण गंगा गोदावरी है। ब्रह्मपुत्र को यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में और दिहांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। तो किस किस कंट्री में किस नाम से जानी जाती है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिवर जो सिंघी कंबन है जिसको लायंस माउथ बोलते हैं ये तिब्बत में, रिवर इंडूस जो है जानी जाती है सिंघी कंबन के नाम से। ठीक है, रिवर दामोदर जो है बंगाल सौरो कही जाती है, बंगाल का शोक जैसे कोसी बिहार का शोक कही जाती है। प्रयाग जो है इलाहाबाद जो है इसको संगम बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजर रिवर्स कितनी मानी है, 12। ट्रांस हिमालयन रिवर्स जो हैं जो ऑरिजिनेट होती हैं हाई तिब्बत प्लेट्यू में बट जो है हिमालयास की रेंज को क्रॉस करती है, वो इंदूस, ब्रह्मपुत्र और सतलज हैं। अब किस सिटी के किनारे कौन सी रिवर है, दिल्ली के किनारे यमुना, आगरा किनारे यमुना, पटना गंगा किनारे, हरिद्वार गंगा किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना के कन्फ्लुएंस पर, वाराणसी गंगा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, कानपुर गंगा, जबलपुर नर्मदा, भरूच नर्मदा, गोमती, लखनऊ, हैदराबाद में मूसी रिवर, नासिक में गोदावरी, श्रीनगर में झेलम, विजयवाड़ा में कृष्णा और कोलकाता में हुगली, अहमदाबाद में साबरमती, सूरत में तप्ती, तिरुचिरापल्ली में कावेरी, कटक में महानदी, अयोध्या में सरयू, लुधियाना में सतलज, कुल्लू में ब्यास, उज्जैन में शिप्रा, हम्पी में तुंगभद्रा, पुणे में मूथा और वडोदरा में विश्वामित्री, मदुरई में वैगाई, कोयम्बटूर में नोयल, गोरखपुर में राप्ती और नेल्लोर में पेन्ना, कुरनूल में तुंगभद्रा, दुर्गापुर में दामोदर और जम्मू में तावी। और डैम्स और रिवर्स देख लेते हैं। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर में है, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा पर बना हुआ है, और श्री राम सागर डैम गोदावरी पर, श्री सलम डैम कृष्णा पर, सरदार सरोवर नर्मदा पर, उकाई डैम तापी पर, हीराकुट डैम महानदी पर, भाखड़ा नंगल सतलज पर, पोंग डैम ब्यास पर, थीन डैम जिसको रंजीत सागर डैम बोलते हैं रावी पर, भागीला डैम ये चेनाब पर, और ये वाला शुरू पर, पांचेट ये दामोदर पर, मैथोन ये बराकर पर रिवर पर, तेहरी ये भागीरथ पर, कोयना ये कोयना रिवर पर, मित्तूर ये कावेरी पर, कृष्ण राजा सागर ये कावेरी पर, आलामत्ती ये कृष्णा पर, मुल्ल पेरियार डैम पेरियार रिवर पर, गांधी सागर ये चंबल पर और नीमू बाजगो ये इंदूस पर। ये कुछ वर्ल्ड के फेमस डैम हैं जैसे असवान डैम ये नाइल रिवर पर, जिनपिंग डैम ये यालोंग चाइना पर, थ्री जॉर्जिस डैम ये यांगस्ते रिवर पर चाइना में, नोरेक डैम ये वक्ष रिवर पर तजाकिस्तान में, और इताइपू रिवर ये पैरेना पर ब्राज़ील और पराग्वे में, हूवर डैम ये कोलोराडो पर यूएसए में। तो ये पूछी गई पिछले साल, इस वजह से इतनी आप देख लीजिए। रिवर्स का ओरिजिन ये पूछा जाता है गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना यमुनोत्री से, इंदूस मानसरोवर से, नर्मदा मैकाल हिल समरकंटक से, तापी सतपुड़ा रेंज बैतूल से, महानदी नागरी टाउन छत्तीसगढ़ से, ब्रह्मपुत्र चेमयांग दुंगदुंग तिब्बत से, और सतलुज ये माउंट कैलाश से, ब्यास रोहतांग पास से हिमाचल प्रदेश से, गोदावरी नासिक से,
कृष्णा महाबलेश्वर से, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स कुर्ग से, कर्नाटक से, साबरमती उदयपुर से, अरावली हिल्स से, रावी चंबा से, पिन्नार नंदी हिल्स से और लूनी पुष्कर अरावली हिल्स से, चंबल जानापाव इंदौर से, तीस्ता चुलामू लेक से और रंगीत ये राथौंग ग्लेशियर से सिक्किम। अब रिवर्स की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? गंगा की है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा। यमुना की है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। गोदावरी की इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसारा, सरबरी, पेनगंगा, प्रणाहिता। और कृष्णा की तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, वेदावती और कोयना। कावेरी की काबिनी, हेमावती, शिमसा और अक्रावती, भवानी। नर्मदा की अमरावती, भुकनी, तावा और बांगड़। तावा एक बार पूछी गई थी आपके एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित, जिया भोरेली, कामेंग, दिखऊ और सुबानसिरी, मानस, दामोदर की बराकर और कोनार रिवर, रावी की बुधील, नाई और धोना रिवर, सियोल, उज रिवर, महानदी की सेवनाथ, हास्तेव, चोंक, मांड, इब, ओंग और तेल, और चंबल की मानस, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती और मेज।